वेदमी से चलकर सीएसआईआर जाने वाली गाड़ी अब रवाना होने जा रही है, तो कृपया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है। सो टुडे इज यूनिट नंबर वन, कल टू थ्री एंड सो ऑन जो है वो शेड्यूल चलने वाला है। सो वंस अगेन गेट रेडी फॉर दैट, फटाफट चलने की कोशिश करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के रिवीजन के ऊपर जब बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स की बात आती है और बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो चौंस होते हैं यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं कुछ बायो मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड न्यूक्लिक एसिड कार्ब्स फैटी एसिड विटामिंस। अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं, फैटी एसिड सपोर्ट्स एंड स्टोरेज की तरह काम करते हैं, विटामिंस जो है एंजाइम के को फैक्टर्स की तरह जो है इन्वॉल्व होते हैं। सो जी हाँ, अगर मैं इन्हीं बायो मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड की बात करता हूँ तो कौन कौन से बॉन्ड्स आ जाते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की बात करें तो मेटालिक आयनिक कोवेलेंट, मेटालिक में मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स में जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या तो केटायन या तो एनायन जैसे आप NaCl को देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो या तो अनइक्वल शेयरिंग होगी या तो इक्वल शेयरिंग होगी। अगर अनइक्वल शेयरिंग होती है तो पोलर मॉलिक्यूल, इक्वल होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब वीक बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें कई सारे बॉन्ड्स आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडर डिस्पर्सन फोर्सेस आते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आएगा और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो जब कोई फोन मॉलिक्यूल यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और वो हाइड्रोजन जो है किसी और FON मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब इसमें लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस में क्या होता है, टेम्परेरी इंबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वैन डेर वाल्स फोर्सेस का उत्पत्ति होता है जो कि रेडियस से जो है काफी सेंसिटिव होता है, रेडियस या डिस्टेंस जिसे आप बोलते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पाया जाता है एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ड्यू टू द नॉन पोलर इन्वायरमेंट या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो है ये इंटरेक्शन देखने को मिलता है। नाउ अगर बात करते हैं यहाँ पे तो जब भी कोई भी हाइड्रोजन जो कि फोन से जुड़ा हो अगर वो हाइड्रोजन किसी और FON यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है। ये वीक बॉन्ड है इसलिए आप इसको डैश 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 करके दिखाते हैं। अब सवाल आता है कि जब FHF होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और NHN होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होता है। फिलहाल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो एक एंगल का भी कॉन्सेप्ट आता है, जब भी आपके पास कोई भी हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द एक डोनर मॉलिक्यूल होता है और एक रिसीवर मॉलिक्यूल होता है, इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो है 180 डिग्री। अगर एक 180 डिग्री है तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और इसके अलावा अगर ये एंगल जो है वो 180 से कम है तो ये बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। फिलहाल के तौर पे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आ जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग और जो वीक बॉन्ड है उनमें बॉन्ड एनर्जी या तो किलो जूल पर मोल में पूछा जाए या तो किलो कैलोरी पर मोल में पूछा जाए। जब हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो इसमें किलो जूल पर मोल में 400, फिर आयनिक में 200, फिर उसके बाद मेटालिक में लगभग 200, हाइड्रोफोबिक में 100, हाइड्रोजन बॉन्ड में 50, डाइपोल डाइपोल में 25, बॉन्डेड बॉन्ड में 2.5। अगर इसका कोड देखा जाए तो ये होता है चंगू बोला IM हर हर महादेव, मैंने इसको बताया था CIMHHDV, ये आपका केस बनता है। किलो जूल से किलो कैलोरी में करना है तो बस 5 से डिवाइड कर दो यानी कि 400 से करोगे 80, 200 से करोगे 40, 240, 100 से 20 एंड सो ऑन। ये लगभग किलो कैलोरी में है क्योंकि लगभग 1 किलो जूल यानी 1 जूल कितना होता है, 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है, इसलिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक भी वैल्यू याद रख लेना, दूसरी जो है उसे कन्वर्ट कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा चंगू बोला IM हर हर महादेव। तो ये चीज आपको पता हो जानी चाहिए इन द केस ऑफ दैट कोवेलेंट बॉन्ड या जितने भी बॉन्ड है उनकी एनर्जी के बारे में। इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द वाटर, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और कहीं पे पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें गैसेस की सॉल्युबिलिटी उस बात पे निर्भर करती है कि वो गैस पोलर है या नॉन पोलर है। अगर हम देखें यहाँ पे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड इनकी पोलरिटी को मेंशन किया गया है। जब आप नाइट्रोजन को देखते हैं तो नॉन पोलर ऑक्सीजन नॉन पोलर कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर अमोनिया पोलर हाइड्रोजन सल्फाइड पोलर, इस हिसाब से उनकी सॉल्युबिलिटी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल हाइड्रोजन सल्फाइड फिर अमोनिया फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। तो यह है पोलरिटी का ऑर्डर, तो पोलरिटी के ऑर्डर को ध्यान दे देना एक बार फिर से कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके साथ आता रहता है। सबसे ज्यादा पोलर H2S फिर NH3 अमोनिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, तो ये पोलरिटी का जो है ऑर्डर है वाटर में, तो ये पोलरिटी के ऑर्डर को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है एटम्स का जो कि किस पर्टिकुलर केस में जो है आपके कितने केमिकल्स है, 30% केमिकल्स और 70% वाटर, एक बेसिक सेल कुछ इस तरीके से बना होता है जिसमें इनऑर्गेनिक 1% है, स्मॉल मॉलिक्यूल 3%, फॉस्फोलिपिड 2%, DNA 1%, RNA 6%, प्रोटीन 15%,
एंड पॉलीसेक्राइड्स जो है वो आपके 2% से, ये हैं कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो इस 30% केमिकल में आते हैं। बाकी का 70% किसी भी सेल में पानी होता है, ये है हमारा कॉम्पोजिशन। ठीक है, कुछ चीजें आपको पता होती हैं और वो पता होती हैं किसके बारे में, डेल्टा जी के बारे में आपको पता है, फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी को हम डिफाइन करते हैं फ्री एनर्जी चेंज, और अगर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कर लोगे तो वो हो जाता है डेल्टा जी नॉट, जिसकी वैल्यू होती है -RT ln के इक्विलिब्रियम। और अगर डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln के। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि केल्विन में मेंशन किया जाएगा, R की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो आप कैलोरी में रखोगे तो 2 कैलोरी, और अगर आप जूल में रखोगे तो 8.314 जूल। इसके अलावा K जो है वो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे K किसी भी एनी टाइम पे जो है कांस्टेंट रेट कांस्टेंट जो है आप मेंशन कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी की वैल्यू बताता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो इक्वेशन स्पॉन्टेनियस है, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये जो है ध्यान रखने की बात है। नाउ मूविंग अहेड, अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में राइम हो रही हैं तो अच्छी चीज़ है, नहीं राइम हो रही तो और भी अच्छी चीज़ है। बात करते हैं कि डेल्टा जी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। पहला, जब हम बात करते हैं काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स में फॉर्मूला बताया मैंने क्या, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K। थर्मोडायनेमिक्स में हमने फॉर्मूला देखा डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, जहां पे डेल्टा एच एंथैल्पी होता है, टी टेम्परेचर और डेल्टा एस एंट्रोपी होती है। इसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कोई मॉलिक्यूल सेल के इस साइड से दूसरे साइड पे जो है ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पे डेल्टा जी इज इक्वल टू RT ln K प्लस ZF psi, तो ये चीज आपके पास चलती है। इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, जहां पे कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NFE। एफ होता है फेराडे कॉन्स्टेंट, ई होता है इलेक्ट्रोड या ई वैल्यू EMF ऑफ द सेल। ऑस्मोसिस होता है तो वहां पे डेल्टा जी होता है RT ln CF/CI, मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये चीजें हो जाती है। एंड यहाँ पे आप K की जब बात करते हैं तो वो होता है रेट कांस्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये सब चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अगेन मैं बता दूं कि ये रिवीजन और रिकॉलिंग का सेशन उसी को समझ में आएगा जो कि कभी पढ़ा हुआ है। पहली बार पढ़ने वाले लोग भगवान का नाम लेके जय बजरंग बली करके जो है CSIR में क्वेश्चन ऑफ करिएगा। अब आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे A से B में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे K एक ऐसा टाइम होता है जब किसी भी टाइम पे आप कॉन्स्टेंट करेंगे तो वो K होता है, अगर इक्विलिब्रियम पे K कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो K इक्विलिब्रियम होता है। इसके बाद डेल्टा जी अगर इक्विलिब्रियम पे करे तो वही डेल्टा जी नॉट हो जाता है, दैट इज फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड के तौर पे। इसके अलावा अगर किसी भी टाइम पे करे तो वो डेल्टा जी होता है, और डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K। ठीक है, ये चीज चलती है। इसके अलावा कोई बोल रहा है सर PDF मिलेगा क्या, ये प्रसाद थोड़ी है जो बांटता फिरूंगा मैं, है ना बेटा। तो फिलहाल के तौर पे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, ओम नमः स्वाहा, वापस आ जाइए। तो यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं ATP के ऊपर। रिकॉलिंग के लिए पढ़ना दिमाग में दौड़ाना जरूरी है, वो भी तेजी से PDF लेके, क्या PDF लेके एग्जाम में थोड़ी बैठ के। तो कृपया करके PDF का लालच छोड़ के दिमाग में दौड़ाओ, वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। CSIR के एग्जाम में जो है PDF से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बात आती है बायोएनर्जेटिक्स में एनर्जी कपलिंग की, जब दो रिएक्शन दिए होते हैं तो उनकी कपलिंग की बात की जाती है। अब यहाँ पे ATP की बात करते हैं, तो ATP जो है ADP में कन्वर्ट होता है, उसमें डेल्टा जी की वैल्यू अगर मैं किलो जूल की बात करूँ तो -31 होता है, और अगर किलो कैलोरी की बात करें तो ये वैल्यू होती है 7.3 के आसपास। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में डेल्टा जी की वैल्यू +14 है। तो इसको फिजिबल बनाने के लिए जो है आप दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए ATP प्लस ग्लूकोज का, यानी लेफ्ट और लेफ्ट दोनों मिल रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली आप दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। डेल्टा जी कितना हो जाएगा -17, यानी कि स्पॉन्टेनियस हो गया। इस तरीके से कपलिंग जो है हो जाएगी। सेम वही चीज यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे वो किलो जूल में दिया रहे या किलो कैलोरी में, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कई सारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें आप क्या कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मेलिटी मोल
फ्रैक्शन, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोल क्या है। अब सॉल्यूट जो है किसी भी नंबर में दिया जा सकता है, या तो नंबर में, या तो वॉल्यूम में, या तो वेट में, या तो डेंसिटी में, या तो गैसेस में। अगर नंबर में दिया है तो मोल का फॉर्मूला होता है नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर वॉल्यूम में दिया है तो मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4। अगर वेट में दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी में दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है मास, जब यहां से मास निकालेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। गैस में दिया है तो आइडियल गैस लॉ लगाइए, PV = nRT। ये सारे फॉर्मूले जो है मोल को कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। एवोगैड्रो नंबर का जो है वैल्यू 6 × 10²³ जो है आपके पास हो जाएगा। इससे अगर मोल निकाल लिया तो आप मोलरिटी नॉर्मलिटी जैसी चीजें निकाल सकते हैं। अगर सोल्यूशन लीटर में हो तो वहां पे मोलरिटी कैलकुलेट किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। एंड अगर सॉल्वेंट दिया हो केजी में ना कि लीटर में, वॉल्यूम की जगह उसका वेट दिया हो सॉल्वेंट का, तो निकलेगा मोलैलिटी और वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूशन अगर 1 लीटर दिया हो और उसमें आपको नॉर्मलिटी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल इंटू एसिडिटी बेसिसिटी चार्ज या वैलेंसी मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम इन लीटर कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका नॉर्मलिटी। या टोटल मोल में से आप मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो जितना टोटल मोल है उसमें से उसी पर्टिकुलर पार्टिकल या मॉलिक्यूल का मोल डिवाइड कर दीजिए, दैट इज एन ए बाई टोटल मोल, वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो ये चीजें आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है पीएच का फॉर्मूला। पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच 0 से 14 हो सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पीओएच 0 से 14 हो सकता है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन द सम ऑफ पीएच प्लस पीओएच इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 14, वो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होता है, सम कभी बदलने वाला नहीं है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, पीओएच माइनस लॉग ओएच माइनस आयन। एच प्लस की वैल्यू अगर उल्टा करिए तो 10⁻⁶, ओएच माइनस की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁶, और अगर एच प्लस इंटू ओएच माइनस यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। एंड अगर इसी को आप इस फॉर्मूले में रखें तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा 10⁻⁴। तो इस तरीके से चीजें रिलेट कर सकते हैं। याद रहे कि अगर एच प्लस बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, और पीएच बढ़ेगा तो एच प्लस घटेगा, इनवर्स रिलेशन होगा। और पीएच और पीओएच का भी रिलेशन इनवर्स होता है। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशंस। इसमें कई सारी चीजें आती है जो कि बफर का रिलेशन होता है। हैंडसल हैसलबैक इक्वेशन पूछा जाता है कि पीएच इज इक्वल टू पीके ए लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, जहां पे पीके की वैल्यू होती है पीके माइनस लॉग के ए। अक्सर क्वेश्चन में के ए दिया रहता है, पीके कैलकुलेट करना रहेगा, और उसके बाद यहाँ पुट करके आप सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो निकाल सकते हैं। सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो होता है 10⁻⁶ पीएच और पीके को माइनस करके 10⁻ रख दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्ट अपॉन एसिड। बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आए हुए हैं सीएसआर में। इसके अलावा जो है एक रेशियो यहाँ पे बनता है कि सॉल्ट और एसिड बराबर हो तो पीएच और पीके बराबर होंगे, अगर सॉल्ट ज्यादा हो तो पीएच पीके से ज्यादा होगा, अगर सॉल्ट एसिड से कम हो तो पीएच पीके से कम होगा। ये ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक कॉन्सेप्ट होता है, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, टाइट्रेट किया जाता है, तो m1+m1v1+m2v2 इज इक्वल टू m3v3। ये क्वेश्चन वहां पे यूज करना होता है जहां पे आपके दो पीएच के सॉल्यूशंस को मिक्स किए जाते हैं। लेकिन उसका जो है एक ट्रिक भी होता है कि अगर दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके पीएच में डिफरेंसेस हो लेकिन वॉल्यूम इक्वल हो तो रिजल्टेंट पीएच जो है लोअर पीएच के बराबर होगा, और अगर जो है दो डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन जिनका वॉल्यूम हाइयर हो तो पीएच हाइयर वॉल्यूम ऑफ द पीएच के बराबर होगा। ये सारी चीजें जो है पढ़ाई जा चुकी हैं, अगेन ये रिकॉलिंग की बात होती है। इसके अलावा एक आता है आयनिक स्ट्रेंथ के ऊपर प्रॉब्लम, जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में या तो डाई आयन ट्राई या टेट्रा की बात होती है, मतलब या तो जिसमें दो आयनिक स्पीसीज निकले +1+1+-, या तो तीन हो जिसमें 2+1- हो, या 2-1+ हो, तो उन केसेस में ट्राई आयन्स आ जाएंगे, या टेट्रा आयन्स जिसमें कि 2+2-3+1-1+3-, ऐसे कंडीशंस हो तो वो टेट्रा आयन्स कंडीशंस में। इन केसेस में जनरली उनका आयनिक स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड होता है। अगर किसी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन या वो डाई आयन्स है जिसमें 1+1- है तो उसका आयनिक स्ट्रेंथ उसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। अगर उसमें जो है दो प्लस एक माइनस या 2-1+ यानी टोटल 3 हो रहे हैं
तो उसका आयनिक स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन के 3 गुना होगा, और अगर वो टेट्रा आयन्स है तो उस केसेस में आयनिक स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन का 6 गुना होगा। यानी अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो उसका आयनिक स्ट्रेंथ भी 1 मोलर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ 3 मोलर होगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो आयनिक स्ट्रेंथ 6 मोलर होगा। ऐसे आयन्स के केसेस में ये आयनिक स्ट्रेंथ की बातें जो है वो आपको देखने को मिलती है। नाउ इसके अलावा जो है बातचीत करने की कोशिश करें तो अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशन आप अमीनो एसिड्स के देखते हैं और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट नेचर साइट चेन इन पे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एसेंशियल सेमी एसेंशियल नॉन एसेंशियल जैसे हो जाएंगे, साइड चेन के बेसिस पे बोले तो पोलर नॉन पोलर हो जाएंगे। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर बोला जाए तो कीटोजेनिक ग्लूकोजेनिक ग्लूकोकीटोजेनिक हो जाएगा एसेंशियल में। MVTFIWKL माय वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर काजोल इट इज द निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। सेमी एसेंशियल में जो है RH दैट इज राहुल। नॉन एसेंशियल में जितने बचे हुए हो जाएंगे इनसे वो आपके नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। नॉन पोलर का जो है एग्जाम्पल GAVPILWFM गांव के लोग पीलो लेके FM सुनते हैं, गांव के लोग पीलो लेके FM सुनते हैं, ये नॉन पोलर हो गया। पोलर जो होगा या तो चार्ज्ड होगा या तो अनचार्ज्ड होगा। अगर ये चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली हो जाएंगे। इसके अलावा कीटोजेनिक के 2 एग्जांपल्स K और L, एंड ग्लूकोजेनिक के एग्जांपल्स की बात करें तो जितने बचे हुए हैं एक्सेप्ट ग्लूकोकीटोजेनिक दैट इज ITWYF इतनी टैलेंटेड वाइफ की बात करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज में HRK दैट इज द बेसिक अमीनो एसिड, एंड नेगेटिवली चार्ज में जो है आपके ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पैटिक एसिड, एंड कुछ ऐसे हैं जो अनचार्ज पोलर होते हैं जिसको बोलते हैं STCNQP यानी सेलेनोसिस्टीन सेरीन थियोनिन सिस्टीन एस्पारजीन ग्लूटामिन एंड प्रोलीन। प्रोलीन वैसे तो जनरली नॉन पोलर के केसेस में ही आता है, लेकिन समटाइम्स जो है यहाँ पे इसको हटा देना भी वो नॉन पोलर में रख लेना। तो ये सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। इसके अलावा जो है अमीनो एसिड्स हो सकते हैं या इमिनो एसिड हो सकते हैं। अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप भी करते हैं, जैसे एलिफैटिक एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल सल्फर अमाइड कार्बोक्सिलिक या अमीनो ग्रुप्स। इसके अलावा इमिनो एसिड उसमें जिसमें सेकेंडरी अमीन पाया जाता है, जैसे कि प्रोलीन आप शो करते हैं, साइक्लिक आर ग्रुप जो है वो आपको देखने को मिलता है। एलिफैटिक में स्मॉल अमीनो एसिड या ब्रांच हो सकते हैं। अब उसके अलावा एरोमेटिक में इंडोल फिनॉल या फिनिल ग्रुप हो सकती है, हाइड्रोक्सिल में सेरीन थियोनिन, सल्फर में सिस्टीन मेथियोनिन, अमाइड में जो है आपके बीटा अमाइड है या गामा अमाइड है। इसके अलावा जो है बीटा कार्बोक्सिलिक गामा कार्बोक्सिलिक। इसके अलावा आर ग्रुप में गुआनिडिनो या ब्यूटाइल अमीनो या इमेडाजोल। इसके ऊपर जब बात करते हैं तो स्मॉल में ग्लाइसिन एलेलिन, ब्रांच में वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, इंडोल में ट्रिप्टोफान, फिनॉल में टायरोसिन, फिनिल में फिनाइल एलेलिन। इसके अलावा जो है हाइड्रोक्सिल में सेरीन थियोनिन है, बीटा अमाइड में एस्पारजीन, गामा अमाइड में ग्लूटामिन, बीटा कार्बोक्सिलिक में स्पार्टेट, बीटा गामा कार्बोक्सिलिक में ग्लूटामेट, गुआनिडिनो ग्रुप होते हैं आर्जिनिन में, ब्यूटाइरिल अमीनो होते हैं लाइसिन में, और इमेडाजोल होता है हिस्टिडीन में। ये सारे जो है वो आपके दैट क्लासिफिकेशंस के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। नाउ अब इसके अलावा जो है दैट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो ये सारे क्लासिफिकेशन से एंड देयर इज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन। सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइसिन, मोस्ट बेसिक आर्जिनिन, मोस्ट एसिडिक स्पार्टेट, लोवेस्ट PI स्पार्टेट। इसके अलावा हाईएस्ट PI जो है आर्जिनिन का हो जाएगा, मैक्सिमम अकरेंस ल्यूसिन का होता है, मिनिमम अकरेंस ट्रिप्टोफान का होता है, जिसका फिजियोलॉजिकल pH के अप्रॉक्स जो है pH होता है वो है हिस्टिडीन, एंड मोस्ट नॉन पोलर साइड चेन जो होता है वो है आइसोल्यूसिन का। तो ये सारे जो है मोस्ट पोलर साइड चेन आर्जिनिन के हैं। ये कुछ अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंसी मैच हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एब्जॉर्बेंस की बात की जाती है तो एरोमेटिक अमीनो एसिड एब्जॉर्बेंस शो करते हैं सबसे ज्यादा ट्रिप्टोफैन, फिर टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन। अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन एब्जॉर्बेंस शो करता है 257 पे, टायरोसिन करता है 274 पे, ट्रिप्टोफैन मैक्सिमम शो करता है 279 पे। इसलिए प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 280 पे किया जाता है। तो ये सारी चीजें अमीनो एसिड के ऊपर बात करते हैं। मूविंग अहेड दैट देयर इज अ लाइक टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन पढ़ने के लिए आपको ये जो है पीके वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पीके वैल्यूज किस तरीके से चलती हैं। अल्फा कार्बोक्सिलिक 3 से 4 के बीच में, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट 4 to 4.8 के बीच में, इमेडाजोल 6 के आसपास, सिस्टीन 8 के आसपास, टायरोसिन 9 के आसपास, अल्फा अमीनो 8 to 9 के आसपास, एंड लाइसिन जो है वो 10.5 के आसपास, आर्जिनिन जो है 12 के आसपास। दीज आर द पीके रेंज जो आपको पता होना चाहिए। अगर इसको आपको पता है तो आप चार्जेज और PI जो है फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या होता है, किसी भी कंडीशंस में जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन कौन से ग्रुप्स है। जैसे ग्लाइसिन है
जब भी आप डाइप्रोटिक अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें दो ही प्रोटॉन डोनेटिंग एक्सेप्टिंग ग्रुप्स होते हैं, इसलिए दो ही पीके वैल्यूज होगा, एक पीके वन और पीके टू, यानी एक पीके वन जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा और पीके टू जो होगा वो अमीनो ग्रुप का प्रोटॉन डोनेटिंग जो है पीके वैल्यूज है। इन दोनों का एवरेज ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, पी आई, जो कि आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। समस्या आती है ट्राइप्रोटिक में, लेकिन वो भी आसान है कि तीनों वैल्यूज को सिक्वेंशली अरेंज कर लीजिए और चार्ज के बेसिस पे आइडेंटिफाई करिए। जीरो के इर्द गिर्द वाली वैल्यू जो होगी वही होगी पी आई वैल्यूज। यानी कि देखेंगे तो ग्लूटामेट के केस में दो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप्स और एक पॉजिटिव, तो इसकी वजह से -2, -1 एंड 0 एंड +1 के हिसाब से चलेगा। जीरो के इर्द गिर्द आप चीजों को देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे टाइट्रेशन चल रहा है, किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन किसी में भी आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पेप्टाइड में चार्ज कैलकुलेट करने का मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया था, जब भी चाहे कितना बड़ा पेप्टाइड हो, एक अमीनो एसिड्स हो, उन सभी के आर वैल्यूज को लिख लो। जब यहाँ पे आप देखते हैं तो मैंने एक सिक्वेंस यहाँ पे दिया है HYKLM, इसमें अमीनो ग्रुप को लिखा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिखा, इस सभी के जो है आर वैल्यूज को आपने लिख लिया, उन आर वैल्यूज को रेंज के हिसाब से आपने सिक्वेंसली अरेंज कर लिया कि जीरो से लेके सबसे लोवेस्ट 2.5, फिर 6, फिर 9.5, 10 एंड 10.5। ये ऑर्डर कहाँ से आया, इन सभी के आयोनाइजेबल पी के वैल्यू से आपने किया। अब जो चार्ज की वेरिएशन होगा वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ होगा और सबसे हाईएस्ट चार्ज से लेके माइनस जो है लोवेस्ट चार्ज तक जाएंगे। अब यहाँ प्लस 3 से माइनस 2 जाने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे चार्ज कितने कंट्रीब्यूटिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप ध्यान दें तो देखिए 1, 2, 3 अमीनो ग्रुप यहाँ पे 3 है तो प्लस 3 से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करने वाले 2 है तो माइनस 2 तक जाएगा सिक्वेंशियल मैनर में। प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि प्लस 3 से क्यों शुरू किया, क्योंकि प्लस चार्ज करने वाले 3 थे। माइनस क्यों रोका माइनस 2 पे, क्योंकि माइनस वाले 2 थे, रोका चार्ज को रखा और फटाफट देख लिया जो जीरो के अगल बगल दो वैल्यूज होंगे इनका एवरेज ले लीजिए, पीआई बता देगा और किसी भी पीएच पे चार्ज आपको पता चल जाएगा। इसका डिटेल वर्जन आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स में। इसी तरीके से आप इसके भी निकाल सकते हैं कि कहां पे पीआई वैल्यूज है, अरेंज करिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए। मूविंग अहेड, पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर बात करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड पोलराइज्ड है, प्लेनर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। एब्जॉर्बेंस इसकी मैक्सिमम 190 नैनोमीटर पे है एंड बॉन्ड लेंथ 1.3 एंगस्ट्रॉम है। ट्रांस और सिस का जो रेशियो है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है 1000 टाइम्स रेदर देन सिस इन नॉर्मल केसेस, बट प्रोलीन के केसेस में जो है एक्सेप्शन है। सिस और ट्रांस का जो रेशियो है वो 1:4 हो जाता है, यानी नियरली इक्वल हो जाता है। कुछ पेप्टाइड्स ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं नेचुरली, जैसे कि ग्लूटाथायोन, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि पाया जाता है नेचुरली हमारी बॉडी में। ट्राइपेप्टाइड है, इसमें गामा पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, 3 अमीनो एसिड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, CGS यानी सिस्टीन, उसके अलावा ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट। एंड एक है आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम, जिसमें 2 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, स्पार्टेट और फिनाइल एलेनिन। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक आर्टिफिशियल स्वीटनर डाइपेप्टाइड। अब पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनता है तो उस केसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, यानी कि एक 21 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी रिलीज रिक्वायर्ड होती है फॉर बॉन्डिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे ट्रांस और सिस में जो स्टेबल ट्रांस को आप शो करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा टॉर्सन एंगल पाया जाता है, कुछ टॉर्सन एंगल्स जो हैं वो आपके मेन चेन के अलॉन्ग होते हैं और कुछ जो है वो साइड चेन के अलॉन्ग होते हैं। जो मेन चेन के अलॉन्ग है वो पेप्टाइड बॉन्ड के अलॉन्ग यानी CN के होंगे तो उसको बोलते हैं ओमेगा, और अगर C-अल्फा-C के अलॉन्ग हो तो साई, C-अल्फा-N के अलॉन्ग हो तो फाई, एंड अगर C-अल्फा-R चेन में यानी साइड चेन में हो तो काई होता है। इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे पाई जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बाकी के अलॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं। फिलहाल के तौर पे L और D काइरल अमीनो एसिड्स के बीच में जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, कैसे, आप डायगोनली इंटरचेंज कर लीजिए, जो पोजीशन बीटा का होगा वो डायगोनली अपोजिट हो जाएगा और जो अल्फा का होगा वो डायरेक्टली अपोजिट हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है एल और डी अमीनो एसिड के केसेस में। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, एंटी पैरेलल, बीटा शीट पैरेलल, राइट हैंडेड हेलिक्स,
थ्री टेन हेलिक्स एंड लेफ्ट हैंडेड की मैंने एक निमोनिक्स बताया था जिसको बोलते हैं RNLP यानी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए जो दोनों वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी और लेफ्ट हैंडेड के लिए जो दोनों वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो देखिए जरा सा राइट हैंडेड अगर अल्फा हेलिक्स है तो उसके लिए होगा दोनों वैल्यू नेगेटिव और लेफ्ट हैंडेड होगा तो उसके लिए दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी फाई और साई वैल्यूज। ये कुछ क्लोजन ट्रिपल हेलिक्स का या एंटी पैरेलल बीटा शीट टाइप टू टर्न पैरेलल बीटा शीट वो ज्यादातर इस रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे तीन रीजन्स को शो किया जाता है, एक परफेक्टली अलाउड, एक सम हाउ अलाउड या लिटिल बिट अलाउड और एक होता है कंप्लीटली डिसअलाउड। जिस रीजन में फाई और साई एंगल एक दूसरे से हिस्टेरिक हिंड्रेंस शो करते हैं वो डिसअलाउड हो जाएंगे। उस रीजन में जहां पे हिस्टेरिक हिंड्रेंस सबसे मिनिमम होगा वो अलाउड रीजन हो जाएगा और कुछ ऐसे रीजन जहां पे फाई और साई जो है थोड़े बहुत हिस्टेरिक हिंड्रेंस शो करें वो एक पार्शियल अलाउड रीजन जो है वो हो जाते हैं। तो ये रामाचंद्र प्लॉट की कहानी है। पोजिशन ध्यान रखे कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट हमेशा डायगोनली अपोजिट होंगे। राइट लेफ्ट वाला जो होता है एल टाइप ऑफ अमीनोसिड में अपर राइट रीजन में होता है जबकि डी टाइप ऑफ अमीनोसिड में लोअर लेफ्ट रीजन में होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सब टाइप्स बॉन्ड्स टाइप्स इन सब चीजों के ऊपर बात होती है। फिलहाल के तौर पे हेलिक्स की बात करें तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई कई सारे हेलिक्स हो सकते हैं जिसके ऊपर बात करें स्क्रू सेंस में राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड की बात करें। एंड इसके अलावा जो है एटम्स 3.613, 3.10, 5.18 ये सारे जो है एटम्स के बेसिस पे हो सकते हैं। 5.13, 4.416 एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हेलिक्स हो सकते हैं। सीट में भी अल्फा बीटा हो सकता है, बीटा है तो पैरेलल और एंटी पैरेलल है, स्ट्रैंड्स से बनता है सीट आपका, टर्न अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं और पाई भी हो सकता है, लूप होते हैं मोटिफ होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपके स्ट्रक्चर और फंक्शनल रीजन होते हैं और इसके अलावा आपके क्वार्टरनरी में भी आते हैं। तो ये सारे कई सारे रीजन जो है कई सारे स्ट्रक्चर्स आप शो करते हैं। किसमें कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, सिंपल सीक्वेंस में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, इन द केस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, मोटिफ में भी पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टर्शियरी में पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा वॉन्डर वॉल आयनिक डाइसल्फाइड ये सब है और वही सब कुछ जो है क्वार्टरनरी में भी होता है। और क्वार्टरनरी में अगर सेम सब पॉलीपेप्टाइड जुड़े हैं तो होमो जो है लॉगस प्रोटीन्स होंगे और अगर डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजीनस प्रोटीन्स को आप शो करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर जब बात करते हैं तो सीक्वेंस जो है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमीनो एसिड इंटू N-18 N-1 यानी ये जो है बेसिक तौर पर अगर बोला जाए तो मॉलिक्यूलर वेट -18 × N। अब मॉलिक्यूलर वेट किसी भी अमीनो एसिड रेजिड्यू का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 128 डाल्टन होता है अगर वाटर नहीं निकला है तो, नॉट ये ध्यान है कि जब फ्री फॉर्म में अमीनो एसिड होती है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हम शो करते हैं फ्री फॉर्म में 128 डाल्टन, अगर अमीनो एसिड बाइंडेड फॉर्म में है तो उस केसेस में बात करते हैं 110 डाल्टन। तो रेजिड्यू को जब हम बोलते हैं तो 110 डाल्टन लिखते हैं। अगर कुछ मॉलिक्यूलर वेट ना दिया हो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला हो तो ये फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर वेट रख देना, अगर नहीं पूछा है नहीं दिया है तो यही वाली वैल्यू 128 रख के आगे बढ़ जाना और सॉल्व कर देना, आपके पास गेम जो है वो बन जाएगा। अगर जैसे ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जहां पे टायरोसिन 10 टायरोसिन जो ट्रिप्टोफान 10 टायरोसिन 5 फिनाइलिलिन 5 है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, हर किसी के मॉलिक्यूलर वेट दिए हैं तो उसमें आप जो है उनके नंबर मॉलिक्यूलर वेट -18 करके जो है आराम से कैलकुलेट करके टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेप्टाइड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो है ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी हेलिक्स की बात करें, हेलिक्स को क्लासिफाई करते हैं स्क्रू सेंस पे अमीनो एसिड्स पे एंड डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे। स्क्रू सेंस में अगर आप राइट हैंडेड की बात करते हैं तो वो हो जाता है क्लॉक राइट हैंडेड क्लॉकवाइज मोस्टली, लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर वो अमीनो एसिड एल टाइप ऑफ वो हेलिक्स एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बना है तो उसको बोलेंगे एल अमीनो एसिड्स या एल हेलिक्स, अगर वो हेलिक्स जो है डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बना है तो उसको बोलेंगे डी हेलिक्स। तो ये सारे हेलिक्स के पैटर्न्स हो सकते हैं। अब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न कैसा है, CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अगर CoN हो NHN प्लस 2 हो तो गामा हेलिक्स, अगर CoN हो और NHN प्लस 3 हो तो बीटा हेलिक्स, अगर CoN हो HN प्लस 4 हो तो दैट इज अल्फा बीटा गामा हेलिक्स, दिस इज अल्फा यस, एंड अगर N और N प्लस 5 हो तो ये जो हो जाएगा वो पाई हेलिक्स हो जाएगा। तो ये सारे हेलिक्स जो है वो बन सकते हैं कि CO और NH के बीच का पैटर्न कैसा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एसिड और एटम के बीच में हो सकता है, अगर 2.27 है तो गामा, 3.10 है तो बीटा, 3.613 है तो अल्फा, 4.416 है तो
पाई, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेलिक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 2.2 इज द अमीनो एसिड एंड 7 इज द एटम, 3 इज द अमीनो एसिड, 10 इज द एटम, 3.6 इज द अमीनो एसिड, 13 इज द एटम। तो इनके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पे ये कुछ उसी केसेस की बात है कि अल्फा, बीटा, गामा या पाई हेलिक्स में कितने पिच वैल्यू या कितनी चीजें जो है वो चलती हैं। नंबर ऑफ रेजिड्यू पर टन यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है 3.6, 3, 2.2 एंड 4, बाकी ये जो 13, 10, 7 एंड 16 है वो है एटम्स। और यहाँ पे पिच, पिच का मतलब होता है कि जो एक हेलिक्स घुमा है वो जहां से स्टार्ट होकर घुमा उसके बीच में कितना जो है लेंथ है उसको बोलते हैं पिच, और दो अमीनो एसिड के बीच में जो वर्टिकल हाइट है उसी को बोलते हैं दैट इज नंबर राइज पर रेजिड्यू या राइज बोला जाता है। तो ये होती है जेड और ये होता है पी, पी बाई जेड कर देते हैं तो वही निकल जाता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड। सीओ की बात करें अगर आई आई प्लस 4 हो तो अल्फा, आई आई प्लस 3 हो तो बीटा, आई आई प्लस 2 हो तो गामा, आई आई प्लस 5 हो तो पाई। ये हेलिक्स या सीट या टर्न किसी की बात करें यहाँ पे फाई और साई की वैल्यू भी दी गई है, दिमाग में रखे रहना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे है ये देखिए, एक टर्न जहां से शुरू हो रहा है यहां से लेके यहां तक, यहां से शुरू हुआ और यहां से लेके यहां तक, यही है क्या है आपके पिच, लगभग 5.4 एंगस्ट्रॉम वो होता है अल्फा हेलिक्स में। और बात करते हैं दो अमीनो एसिड के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वही है राइज पर रेजिड्यू, दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो है 1.5 एंगस्ट्रॉम और 5.4 एंगस्ट्रॉम को डिवाइड करिए तो 3.6 अमीनो एसिड जो है वो अल्फा हेलिक्स में आ जाएगा। इसके अलावा जो है बीटा प्लीटेड शीट की बात करते हैं, ये शीट्स जो होते हैं वो स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं और स्ट्रैंड्स एक्सटेंडेड हेलिक्स कहे जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो बीटा शीट आप दो स्ट्रैंड्स को देख के बोलते हैं, जब दो स्ट्रैंड्स आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हो तो उन्हें बोलते हैं शीट, और अगर वो अकेले एक्सटेंडेड हो तो उसे बोलते हैं स्ट्रैंड। अब ये अरेंजमेंट जो है दोनों का सी टर्मिनस और एन टर्मिनस सेम साइड में हो सकता है या अपोजिट हो सकता है। अगर ये एन और सी अपोजिट है तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, अगर सेम है तो पैरेलल बोलते हैं। एंटी पैरेलल की स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे देखे तो हाइड्रोजन के एंगल 180 बनता है, जो कि मैंने बताया था कि अगर 180 बन रहा है तो वो स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन के लॉन्ग 180 नहीं होता, एंड दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, इसलिए पैरेलल बीटा शीट्स थोड़े से वीक होते हैं। इसके अलावा टर्न की बात करते हैं तो बहुत सारे टर्न्स आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा टर्न्स, और ये उसी बात पर निर्भर करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है। अगर आई से आई प्लस 1 के बीच में है तो डेल्टा, आई से आई प्लस 2 है तो गामा, आई से आई प्लस 3 है तो दैट इज बीटा, आई से आई प्लस 4 है तो अल्फा, आई से आई प्लस 5 है तो पाई। जो ऐसे कि अल्फा हेलिक्स में बन रहे थे वैसे यहाँ पे भी टर्न के नाम पे चीजें चलती है। फिलहाल के तौर पे दो तरीके के टर्न्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। दो बेसिक चीजें कि ग्लाइस, अगर सेकंड नंबर पे प्रोलीन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं टाइप 1, और थर्ड नंबर पे अगर ग्लाइसिन प्रेजेंट है तो वो टाइप 2 की कैटेगरी में आएगा। और इसमें फाई और साई के जो एंगल्स होते हैं वो इनको और भी दो पार्ट में आई प्लस 1 और आई प्लस 2 में डिसाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बातें, तो अच्छी बात है। ना टाइप 1 और टाइप 2 बीटा टर्न के अलावा कुछ जो है बीटा मोटिफ चलते रहते हैं। बीटा मोटिफ का मतलब ये है, या मोटिफ ऐसे होते हैं जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलके बने होते हैं और कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बीटा अल्फा बीटा सब यूनिट्स को आप शो करते हैं, ये हो गया बीटा अल्फा बीटा। जैसे यहाँ पे 4 अल्फा है तो 4 अल्फा हेलिक्स, ये बीटा मिंडर का स्ट्रक्चर बना है तो बीटा मिंडर, एक ग्रीक की का शेप बनता है तो ग्रीक की हो गए, ये क्वाइल्ड हेलिक्सेस है तो क्वाइल्ड है, यहाँ पे बीटा पूरा बैरल बना दे रहा है तो बीटा बैरल, यहाँ पे बीच में जिंक अवेलेबल होता है जिंक फिंगर, बीच में ल्यूसीन्स इसको चेन की तरह रखते हैं तो ल्यूसीन जिपर्स। तो दे आर द सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जिनका फंक्शंस जो है ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में आप देखते हैं जो कि पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है कई सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो है पाए जाते हैं जिसमें आपको अवेलेबल होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में यूनिक 3D कॉन्फॉर्मेशंस। जैसे यूनिक 3D कॉन्फॉर्मेशंस के लिए वहां पे फोल्डिंग या पैटर्न या बॉन्डिंग होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, इसके अलावा डाइसल्फाइड आयनिक, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, ये सारे बॉन्ड्स का इन्वॉल्वमेंट आप वहां पे शो करते हैं। और ये इस तरीके से इसमें हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन, वंडरवॉल सारे इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व करते हैं। जो सबसे मेजर फोर्स इन्वॉल्व होता है फोल्डिंग के लिए वो होता है हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। उसके अलावा सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जिसमें कि सिस्टीन का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं। अब सिस्टीन में जो है सिस्टीन और सिस्टीन के अलावा जो है यहाँ पे दो सिस्टीन जब जुड़ जाते हैं तो आप सिस्टीन के टर्म में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा ध्यान रहे कि अगर डाइसल्फाइड का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अगर 10 रिपीटेशन अलाउड है और 10 सिस्टीन है तो उसमें आप 9
एट सेवन एंड ऐसे कर करके जो है आप सॉल्व करेंगे तो टोटल 55 टाइप्स का जो है क्या बनेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तब। इसके अलावा जो है अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो 10-16 को देखें तो वो कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं, 10/2 यानी 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो n/2, n इज द नंबर ऑफ 16, एंड अगर रिपीटेशन अलाउड है तो n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 एंड सो ऑन लास्ट वन तक आप ऐड कर दीजिए, ये फॉर्मूला जो है आपके यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल के तौर पे फिलहाल अब बात करते हैं प्रोटीन के डिनेचुरेशन में। तो प्रोटीन का डिनेचुरेशन जो है कई अलग अलग तरीके से जो है चलता है। फिलहाल अब यहाँ पे फिजिक्स की फिजिकल एजेंट्स की बात करें तो देख ब्रेक्स द नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस, वो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस को तोड़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक एंड वाटर बॉन्ड। फिजिकल का मतलब टेम्परेचर जो है जिसको हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल की जब बात करते हैं तो उसमें आता है यूरिया, बीटा मर्कैप्टो एथेनॉल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, डिटर्जेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एंड मेटल्स। अब इसमें नेचर की बात करें तो यूरिया एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का लगभग नेचर एक ही जैसा होता है, जो कि क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को और अफेक्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्सेस को। ये हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस को तोड़ते हैं। बीटा मर्कैप्टो एथेनॉल इकलौता ऐसा एजेंट होता है जो कि किसको तोड़ता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है और कोवेलेंट इंट्रैक्शंस को तोड़ता है। बाकी जितने भी डिनेचरिंग एजेंट्स हैं सभी के सभी नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस को तोड़ते हैं, एक्सेप्ट बीटा मर्कैप्टो एथेनॉल जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता है, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। डिटर्जेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस या मेटल्स, इन सभी में जो है आयनिक फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, यानी डिटर्जेंट्स आयनिक होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक हो सकते हैं। एनायनिक में आपने FCS का नाम सुना होगा, ट्राइटन का नाम सुना होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस में H+ डोनर एक्सेप्टर्स होते हैं और मेटल्स भी आयनिक फॉर्म में होते हैं, यानी सभी के सभी तीनों आयनिक फॉर्म में हैं। तो जिस चीज को आप ये तोड़ेंगे वो है आयनिक बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन। तो ये डिटर्जेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एंड मेटल्स आयनिक बॉन्ड को तोड़ेंगे, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और यूरिया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक को तोड़ेगा, जो आपका फिजिकल एंड नॉन कोवेलेंट को तोड़ेगा, एंड बीटा मर्कैप्टो एथेनॉल कोवेलेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। ये चीजें जो है हो जाएंगी। इसके अलावा जब बात करने की कोशिश करें तो नाउ हियर सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि प्रोटीन सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है। प्रोटीन सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए जब हम बात करते हैं तो फिलहाल के तौर पे पीएच अगर पीआई से ज्यादा हो या पीआई से कम हो, अगर पीएच पीआई से ज्यादा हो या पीआई से कम हो तो उस केस में आयनिक इंटरेक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर पीएच पीआई से बराबर हो जाए तो नेट चार्ज कोई भी अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, जिससे सॉलिबिलिटी घट जाती है और प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऐसे प्रेसिपिटेशन को आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। सॉल्ट के केसेस में भी प्रेसिपिटेशन जो है अफेक्ट होता है, जिस केसेस में लो सॉल्ट होता है तो वो आयनिक इंटरेक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है अट्रैक्शन बढ़ जाता है और सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, जिस फिनोमेना को बोलते हैं सॉल्टिंग इन। और जब हाई सॉल्ट दे देते हैं, सॉल्ट बढ़ाने लगते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सोडियम आयन फ्री वाटर से रिएक्ट करता है, जिससे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है, जिससे प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक स्पॉट एक्सपोज हो जाता है एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे सॉलिबिलिटी घट जाती है। इसको बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी ज्यादा, अगर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कम तो सॉलिबिलिटी कम, और टेम्परेचर सॉलिबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन में होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाइए सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है पीएच में, यानी जैसे आप देखेंगे पीएच पीआई के बराबर है तो सॉलिबिलिटी एकदम मिनिमम है, सॉलिबिलिटी जो है बढ़ेगी अगर पीएच पीआई से ज्यादा है और सॉलिबिलिटी घटेगी, सॉलिबिलिटी फिर बढ़ेगी अगर पीएच जो है पीआई से कम है, यानी पीएच अगर पीआई पे तो मिनिमम है और बढ़ाइए घटाइए तो सॉलिबिलिटी बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो है हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में शुरू शुरू में सॉल्ट बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद सॉलिबिलिटी घटती है। जब बढ़ती है तो उस फिनोमेना को बोलते हैं सॉल्टिंग इन, और जब घटती है तो उस फिनोमेना को बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। तो ये है पीएच के रिस्पेक्ट में ग्राफ सॉलिबिलिटी का, और यह सॉल्ट के रिस्पेक्ट में ग्राफ सॉलिबिलिटी का, जो कि कभी भी आ सकता है। इसके अलावा जब हम बात करें तो प्रोटीन फोल्डिंग से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि डीनेचुरेशन का उल्टा ही प्रोटीन फोल्डिंग होता है, यानी कि डीनेचुरेशन में क्वार्टनरी, टर्सरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीनेचर हो रहा था प्राइमरी में, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर क्वार्टनरी या टर्सरी में जा रहा है। जो मेजर फोर्स इन्वॉल्व होता है वो है हाइड्रोफोबिक फोर्सेज, और इसी फिनोमेना को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक कोलैप्स। इसके अलावा जो अनदर फोर्सेज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंट्रैक्शन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। जब प्रोटीन फोल्ड करता है तो सरफेस पे हाइड्रोफिलिक अमीनोसिड्स का मेजर प्रेजेंस होता है, मतलब ज्यादातर सरफेस पे जो है हाइड्रोफिलिक अमीनोसिड्स होते हैं, ज्यादातर, नॉट ऑलवेज,
मोस्टली यानी यहाँ पे नॉन पोलर अमीनोसिड्स, नॉन पोलर अमीनोसिड्स से ज्यादा होंगे, पोलर होंगे ज्यादा चार्ज होंगे, और कोर जो कि बरीड होता है, धसा हुआ होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर अमीनोसिड पोलर अमीनोसिड से ज्यादा होते हैं। अगर एनर्जी प्रोफाइल की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो अनफोल्डेड की होती है, जो कि फोल्ड होता है और बनाता है मोल्टन ग्लोब्यूल, उसकी एनर्जी घट के थोड़ी और कम होती है, फिर और घटता है डिस्क्रीट में, और फिर नेटिव जो है वो सबसे कम एनर्जी वाला होता है अगर मैं नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो। लेकिन अगर मैं एक कह सकते हैं कि डिजीज स्ट्रक्चर एमाइलॉइड की बात करें, जो कि एक फोल्डेड प्रोटीन का एग्रीगेट्स होता है, वो और भी स्टेबल हो जाता है नेटिव से भी। तो ये UMDNA का एनर्जी प्रोफाइल बनता है, सबसे ऊपर एनर्जी यू यानी अनफोल्डेड, मोल्टन ग्लोब्यूल, डिस्क्रीट एंड नेटिव एंड एमाइलॉइड। सो ये चीजें जो है वो आपके साथ चलते रहते है। फोल्डिंग में इस तरीके की चीजें आती है। फोल्डिंग को असिस्ट करने के लिए चेप्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं। चेप्रॉन्स में HSP70 और HSP60 आते हैं। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में इनकी एनालॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि यूकैरियोट में जो HSP70 होता है उसी का एनालॉगस फॉर्म डीएनए के होता है प्रोकैरियोट में, और जो HSP40 होता है उसी का एनालॉगस होता है डीएनए जे प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट में जो HSP60 होता है उसको चेप्रोनिन्स बोलते हैं, उसका एनालॉग होता है ग्रो ईएल यानी लार्ज जो है ग्रुप प्रोटीन्स, एंड HSP10 होता है उसका जो एनालॉगस होता है ग्रो ES दैट इज को चैप्रोनिन। इनकी बात करें तो HSP70 जो होता है वो यूकैरियोट प्रोकैरियोट में मैंने एनालॉगस बताया, ये एक ATP की जरूरत इन्हें पड़ती है, इसमें किसी को चैप्रोनिन की जरूरत नहीं है, बाइंड करते हैं अर्ली स्टेज ऑफ पेप्टाइड के साथ और इनमें एक ही सब यूनिट जो है वो काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं HSP60 फैमिली में तो यहाँ पे 7 ATP की जरूरत पड़ेगी एक साइकिल के लिए को चेप्रोनिन चाहिए, जो कि एक होता है और बाइंड करता है लेटर स्टेज में। 7 सब यूनिट होते हैं एक जो है टनल बनाने के लिए, चेप्रोनिन का रिंग फॉर्म करने के लिए, इसीलिए 7 ATP की जरूरत पड़ती है और एक ही को चेप्रोनिन होता है उन जो है टनल्स के लिए। तो जब हम बात करते हैं तो यह HSP70 फैमिली क्लाइंट पेप्टाइड आके बाइंड करता है, फिर प्रोटीन के साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो है फिर वो ATP हाइड्रोलिसिस होगी, वो रिलीज होगा, फोल्डिंग शुरू हो जाएगी, एक न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर आएगा, वो ADP को फिर ATP से एक्सचेंज करेगा, फोल्डेड प्रोटीन निकल जाएगा, अगर वो मिसफोल्डेड होगा तो HSP60 के पास चला जाएगा। ये पूरा का पूरा स्टेप है, बाइंडिंग ऑफ द क्लाइंट पेप्टाइड HSP40, बाइंडिंग विद द लार्जर सब यूनिट HSP40 के साथ हो जाएगा, फिर ATP के साथ ATP के हाइड्रोलिसिस होगी, इसके बाद रिलीज ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट, फिर प्रोटीन फोल्डिंग शुरू होगा, NEF रिप्लेस करेगा ADP/ATP से, रिलीज करेगा फोल्डेड पेप्टाइड को, एंड उसके बाद जो है करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन फंक्शन करेगा, मिस फोल्डेड HSP60 के पास चला जाएगा। HSP60 का बेसिक काम क्या है, 2 रिंग होते ऊपर 7 नीचे 7, लेकिन कोचेप्रोनिन सिर्फ 1, इसी वजह से एक बार मिस फोल्डेड पेप्टाइड अगर एक चेन में या एक रिंग में आया तो उसके बाद दूसरा वाला भी खाली है। 7 ATP बाइंड करेंगे, हाइड्रोलाइज होंगे, फिर फोल्डिंग शुरू होगी, कोचेप्रोनिन बाइंडेड है, फोल्डिंग होने के बाद कोचेप्रोनिन रिलीज हुआ, पेप्टाइड अलग हुआ और फिर कोचेप्रोनिन दूसरे वाले साइकिल के लिए चला जाता है। इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी, यानी सबसे पहले मिसफोल्डेड पेप्टाइड पॉकेट से बाइंड करेगा, उसके बाद जो है आपका 7 ATP बाइंड करेंगे, कोचेप्रोनिन बाइंड करेगा, फिर 7 ATP की हाइड्रोलिसिस होगी, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, कोचेप्रोनिन रिमूव होगा और फिर फोल्डेड पेप्टाइड रिलीज होगा और कोचेप्रोनिन फिर अनदर हेप्टामेरिक रिंग के साथ बाइंड कर लेगा। इस तरीके से काम करता है। जो काम HSP60 करता है वही ग्रो ईएल करता है प्रोकैरियोट में, और जो काम HSP10 करता है कोचेप्रोनिन का वही काम यहाँ पे ग्रो ईएस करता है। तो कोई भी अनफोल्डेड प्रोटीन स्पॉन्टेनियसली फोल्ड करेगा, करेक्ट होगा तो ठीक, नहीं होगा तो HSP70 के पास जाएगा, वहां करेक्ट हुआ तो ठीक, इनकरेक्ट हुआ तो HSP60 के पास जाएगा, करेक्ट हुआ तो ठीक, इनकरेक्ट हुआ तो एक्यूमुलेट होगा और एक्यूमुलेट होकर डिजीज बना देता है, और डिजीज अगर उसको तोड़ा जाता है प्रोटियोजोम से, अगर टूट गया तो ठीक, नहीं टूटा तो एमाइलॉइड, प्रायोंस और एमाइलॉइडोसिस ऐसे जो कंडीशंस डेवलप कर सकता है। तो प्रायोंस, जब आप जानते हैं कि प्रायोंस जो है वो एक मिसफोल्डेड डिजीज फॉर्म है, जो कि ब्लीटा प्लीटेड सीड्स होते हैं, प्रोटीएज रेजिस्टेंट है, कई सारे डिजीज कॉज करते हैं जैसे स्पॉन्जीफॉर्म इनसिफेलोपैथी। अगर ये ह्यूमन में होता तो कुरू, सीप में होता स्क्रैपी, काउ में होता तो मैड काउ डिजीज भी बोला जाता है। अगर कई सारे नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स आपस में मिसफोल्ड होके एग्रीगेट हो जाए और बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाए तो वो एक पूरा का पूरा फाइब्रिल्स बना देते हैं, इसी को बोलते हैं एमाइलॉइड फाइब्रिल्स। तो ये कंडीशंस डेवलप होता है और कई सारे डिजीज जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अल्जाइमर जो है एमाइलॉइड या टाउ प्रोटीन से देखने को मिलता है, इसके अलावा पार्किंसंस जो होते हैं वो एमाइलॉइड, टाउ और अल्फा से न्यूक्लिन से देखने को मिलता है, मैड काउ जो है वो आपका टाउ प्रोटीन और प्रायोन से देखने को मिलता है, ये सब चीजें जो है आती हैं, एंड ट्रांस एरिथ्रीन एमाइलॉइडोसिस ट्रांस एरिथ्रीन से देखने को मिलता है। यस और नो, अब जो प्रोटीन मिसफोल्डेड था उसको डिग्रेड किया जाता है प्रोटियोजोम या लाइसोजोम से। लाइसोजोम का डिग्रेडेशन जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स है,
कोई एटीपी डिपेंडेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई सेलेक्टिव नहीं है, कोई भी प्रोटीन गया लाइसोसोम में, टूटा, काम खत्म। लेकिन अगर किसी प्रोटीन को प्रोटियोसोम से टूटना है तो उस प्रोटीन को यूबिक्विटिन से टैग करके स्पेसिफिक तरीके से प्रोटियोसोम में तोड़ा जाता है। प्रोटियोसोम एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन को तभी तोड़ेगा जब वो प्रोटीन पॉलीयूबिक्विटिनेटेड हो, यानी उस प्रोटीन पे यूबिक्विटिन की चेन जो है वो जुड़ी हो। तो ये प्रोटीन 26S प्रोटियोसोम पाया जाता है यूकैरियोट्स में, जिसमें 20S और 19S देखने को मिलता है। 20S कैटालिटिक होता है, 19S रेगुलेटरी होता है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस और साइटोसोल दोनों में प्रोटियोसोम होते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट सिर्फ साइटोसोल में होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जैसी चीज नहीं होती है। अब 26 प्रोटियोसोम में ये ऊपर एक 19 का रिंग लिड की तरह होता है, कवर की तरह होता है, 19 का रिंग लिड और कवर की तरह, बीच में ये 20S कैटालिटिक काम करता है। जब हम 20S की बात करते हैं तो उसमें कई सारे सब यूनिट अल्फा बीटा बीटा, लगभग 7 सब यूनिट अल्फा के, 7 बीटा के, फिर 7 बीटा के, फिर 7 अल्फा के, टोटल 28 सब यूनिट्स होते हैं। 14 अल्फा 14 बीटा होते हैं, जिसमें अल्फा जो होते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट्स की तरह काम करते हैं, ट्रिप्सिन लाइक एक्टिविटी, कैस्पेज लाइक एक्टिविटी या काइमोट्रिप्सिन लाइक एक्टिविटी बीटा के पास पाया जाता है। तो ये कंडीशन आपके पास देखने को मिलता है 20S कोर सब यूनिट्स में। 90S जो है यूबिक्विटिन को रिकॉग्नाइज करता है और ऐड करने का काम करता है। यूबिक्विटिन ऐड का पाथवे के लिए 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है, E1, E2, E3। E1 इज द एक्टिवेटिंग एंजाइम, E2 इज द कॉन्जुगेटिंग एंजाइम एंड E3 इज द लाइगेटिंग एंजाइम। सबसे पहले यूबिक्विटिन एक पॉलीपेप्टाइड होता है, लगभग 72 से 76 अमीनो एसिड का बना हुआ, जो कि ऐड किया जाता है या एक्टिवेट किया जाता है बाय द एटीपी। पहले एटीपी से एएमपी को लिया जाता है, यूबिक्विटिन से टैग किया जाता है ई1 के द्वारा, जिससे यूबिक्विटिन एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसी यूबिक्विटिन को ट्रांसफर किया जाता है E2 के साथ, जो कि कॉन्जुगेटिंग एंजाइम है। अब इस यूबिक्विटिन को E3 जो कि लाइगेटिंग एंजाइम है वो ट्रांसफर करता है टारगेट प्रोटीन के लाइसिन पे, यानी जिस प्रोटीन को तोड़े जाना है उसके लाइसिन पे यूबिक्विटिन को जोड़ा जाता है, वो भी एक चेन के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं पॉली यूबिक्विटिनेशन। और ये जो है काम हो जाता है, फिर ये जाता है प्रोटियोसोम में और टूट जाता है। याद रहे कि जो आपके E3 होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रिंग 3 और HCT टाइप। रिंग 3 जो है वो अपने ऊपर यूबिक्विटिन को नहीं लेता, वो डायरेक्ट E2 से टारगेट पे ट्रांसफर करता है, जबकि जो रिंग HCT टाइप होता है ये यूबिक्विटिन को E2 से पहले अपने ऊपर यूबिक्विटिन ट्रांसफर करता है, फिर वो टारगेट पे करता है, यानी एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म जो है वो हो जाता है। सो दीज आर द वेरियस पर्टिकुलर प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन फॉर्म्स। नाउ प्रोटीन कैन बी आइदर फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस के तीन एग्जाम्पल्स है, कोलेजन, इलास्टीन और केराटीन। ये कुछ बेसिक्स जो है वो आपके फॉर्म्स है, कंपेरिजन फॉर्म, स्ट्रक्चरल यूनिट कोलेजन का ट्रोपो कोलेजन, इलास्टिन का ट्रोपो इलास्टिन, केराटीन का प्रोटो फिलामेंट, फंक्शनल यूनिट कोलेजन का कोलेजन, इलास्टिन का डिस्मोसिन, केराटीन का इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन लाइसिन का होता है, प्रोलीन का होता है। जो मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड्स या रेपिटेशन यूनिट्स होते हैं वो GPX यानी ग्लाइसिन प्रोलीन, और X जो है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन हो सकता है। इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन जो है इसमें पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जोड़ा जाता है किसमें, कोलेजन में। क्रॉस लिंकिंग होती है, यानी लाइसिन का ऑक्सीडेशन होता है, एल्कोहल का कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन होता है। लाइसिन को या कोलेजन को जो है प्रॉपर क्रॉस लिंक करने के लिए एक विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं विटामिन सी, जो कि हाइड्रोक्सिलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें होती है कोलेजन में। एक बार फिर ध्यान दीजिए, ट्रोपो कोलेजन यूनिट, फंक्शनल फॉर्म कोलेजन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन यस, प्रोलीन का यस, यहाँ पे मोस्ट कॉमन GPX, एक्स इज अ हाइड्रोक्सी प्रोलीन या लाइसिन, ग्लाइकोसाइलेशन यस, ऑक्सीडेशन यस, विटामिन सी रिक्वायरमेंट यस, एंड ट्रिपल हेलिक्स यस। बट इन द केस ऑफ इलास्टीन, ट्रोपोइलास्टीन स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट डेस्मोसिन, हाइड्रोक्सिलाइसिन नो, हाइड्रोक्सिलेशन लाइसिन का नहीं होगा, प्रोलीन का होगा, मोस्ट कॉमन GAV, ग्लाइसिन एलेनिन वैलिन, यहाँ पे कोई ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, लेकिन कोई ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं होता। केराटीन एक प्रोटोफिलामेंट स्ट्रक्चर यूनिट से स्टार्ट होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाता है, ना ही कोई लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन, ना ही प्रोलीन का, जो मोस्ट कॉमन है वो CGS यानी कि सिस्टीन ग्लाइसिन सेरीन, कोई भी ग्लाइकोसाइलेशन नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करते हैं, ना इधर विटामिन सी का रिक्वायरमेंट है, ना ही ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन जो है रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है आपके पास चलता है। इसके अलावा ग्लोबुलर प्रोटीन में मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का आपने नाम सुना होगा, और इस पर्टिकुलर केस में जो है मायोग्लोबिन के बैच में ये मोनोमेरिक नॉन एलोस्टेरिक टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन स्टोरेज जो है मोनोमेरिक है, एलोस्टेरिक नहीं, यानी रेगुलेटरी नहीं है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऑक्सीजन को स्टोर करता है, इसकी एफिनिटी हाईएस्ट होती है, 100% होती है, एक ऑक्सीजन से बाइंड करता है, इसमें कोई रिलैक्सेंट स्ट्रक्चर नहीं है,
कोई पीएच का इफेक्ट नहीं है, कोई डिसोसिएशन कर्व जो अगर आप देखते हैं तो वो हाइपरबोलिक होता है कुछ इस तरीके का, एंड इसमें हिल्स कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। व्हेन इन द केस ऑफ हीमोग्लोबिन जब हम बात करते हैं तो ये एक हेट्रो टेट्रामेरिक यानी चार सब यूनिट का बना हुआ, वो चारों सब यूनिट अलग अलग सब यूनिट है, एलोस्ट्रिक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, लेस बाइंडिंग अफिनिटी होती है यानी 70% ही अफिनिटी या सेचुरेशन होता है, चार ऑक्सीजन से बाइंड करता है, रिलैक्स्ड और टेंस्ड प्रेजेंट होते हैं, बोर्स इफेक्ट देखने को मिलता है यानी पीएच के इफेक्ट से इसकी अफिनिटी बदलती है, इसका कर्व सिग्मोइडल होता है और हिल्स कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 2.8 होती है क्योंकि चार ऑक्सीजन के लिए 70% सैचुरेशन, 70% ऑफ 4 इज द 2.8, सो ये होता है हीमोग्लोबिन के केसेस में। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है, तो सिग्मोइडल कर्व हीमोग्लोबिन जो है हाइपरबोलिक मायोग्लोबिन। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर फास्ट चल रहे, बेटा फास्ट ही है, मैं पहले बोला था कि ये जो है बच्चों का खेल नहीं है, जो दूध पीते बच्चे हैं वो क्लास में जुड़ने से पहले एक बार ध्यान दे दे, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कल, ठीक है, मेरे साथ आएगा कौन और मेरे साथ पढ़ेगा कौन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के केसेस के ऊपर बात करते हैं तो कई सारे हीमोग्लोबिन यहाँ पे पाए जाते हैं, नहीं फिलहाल के तौर पर फीटस हीमोग्लोबिन जैसे अल्फा गामा आप शो करते हैं, इसकी अफिनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, गोवर हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा आपने, जीटा 2 एप्सिलॉन 2 जो बहुत हाईएस्ट अफिनिटी के ऊपर जो है बात करते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA1 HbA2 पाया जाता है, HbA1 98% केसेस में होता है, 2% केसेस में जो है वो आपके 2% केसेस में अल्फा 2 डेल्टा 2 प्रेजेंट होता है। आर्कटिक फिक्स ऐसा होता है जिसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, आर्कटिक फिक्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। अगर मैं HbA1 की बात करूं तो उसमें हीम और ग्लोबिन होता है, हीम के पास जो चीजें बाइंड करती है वो अक्सर सबस्ट्रेट होती हैं, और अक्सर सबस्ट्रेट होती है जैसे ऑक्सीजन N2NO और CO, यानी कि ज्यादातर डाई एटॉमिक गैसेस होते हैं, जो डाई एटॉमिक गैसेस आप शो करते हैं वो कैसे होते हैं, हीम से बाइंड करेंगे, आयरन से बाइंड करेंगे, बॉन्ड से बाइंड करेंगे। यहाँ पे आयरन जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो होता है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे पाया जाता है, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है जिसमें से एक ऑक्सीजन के साथ और एक हिस्टिडीन ऑफ द ग्लोबिन के साथ बनाता है, बाकी चार जो है वो पायरल रिंग के साथ बनाएगा। ग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ज्यादातर इससे जो चीज जुड़ता है वो मॉड्यूलेटर का काम करता है, यानी कि या तो एक्टिविटी को बढ़ाए या तो एक्टिविटी को घटाए। मॉड्यूलेटर के तौर पे ज्यादातर CO2H+ या BPG या DPG भी बोला जाता है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फोग्लिसरेट बोला जाता है। अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा, अल्फा ग्लोबिन में लगभग 141 अमीनो एसिड एंड जो है 16th क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, और बीटा ग्लोबिन में लगभग 146 अमीनो एसिड 11th नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से अल्फा बीटा ग्लोबिन मिलते हैं और बना देते हैं बेसिक तौर पे हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लोबिन के साथ ज्यादातर क्या जुड़े होते हैं, ज्यादातर जुड़े होते हैं आपके CO2H+ या BPG मॉड्यूलेटर्स, और पोरफायरिन हीम से जुड़ा होता है आपके सबस्ट्रेट डायटोमिक गैसेस। ठीक है, सो एक होता है हिस्टिडीन, प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन, और एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन जुड़ता है ग्लोबिन से, बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयरन के साथ, और इसके अलावा जो है एक होता है डिस्टल हिस्टिडीन ग्लोबिन का, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है आपके आयरन से। तो इस तरीके के कंडीशंस होते हैं। अब यहाँ पे जब भी हीमोग्लोबिन की बात होती है तो दो स्टेट होते हैं, ऑक्सी डीऑक्सी। ऑक्सी वाला जो होता है वो प्लेनर होता है, वो रिलैक्स्ड होता है, ऑक्सीजन बाइंडेड होता है और कहीं ना कहीं मोर एसिडिक होता है, जबकि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पकर्ड होते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, टेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेस आयनिक इंट्रैक्शन होता है और लेस एसिडिक जो है पाए जाते हैं, ये आपको बताया गया था। एंड एलोस्ट्रिक मैकेनिज्म में मैंने दो मैकेनिज्म बताया था, जब हीमोग्लोबिन एक एलोस्ट्रिक प्रोटीन है, दो मैकेनिज्म होता है इसके चारों सब यूनिट के ऑक्सी से डीऑक्सी में कन्वर्ट होने के लिए, या तो चारों सब यूनिट टेंस्ड हो और चारों के चारों एक साथ रिलैक्स्ड हो जाए, चारों के चारों एक साथ ऑक्सीजन से बाइंडेड हो जाए, इसको बोलते हैं कंसर्टेड मॉडल, ऑल एट वंस, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता, इसको जो है बेसिक तौर पे कंसर्टेड बोला जाता है। लेकिन एक है सिक्वेंशियल मॉडल जिसमें सब यूनिट्स जो है 1/1 चेंज होते हैं, मतलब सारे के सारे पहले टेंस थे, एक सब यूनिट आर, एक सब यूनिट बाइंड किया, दूसरे को कोऑपरेट किया, फिर दूसरे ने तीसरे को किया, एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट मिलते हैं और एक एक करके जो है वो फाइनली आर में कन्वर्ट होता है, R4 में, इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल मॉडल, और ये कोऑपरेटिविटी को यानी एलोस्टेरिज्म को शो करता है। तो ये हीमोग्लोबिन ज्यादातर सिक्वेंशियल मॉडल को फॉलो करता है। काइनेटिक्स के तौर पे जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आप फ्रैक्शनल सैचुरेशन की बात करते हैं और वहां पे एक हेल्स इक्वेशन जो है डिराइव किया जाता है लॉग वाई अपॉन 1 - y करके, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डिराइव होता है। इस इक्वेशन को जब लॉग वाई अपॉन 1 - y वर्सेज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ आप रखते हैं तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है एक लीनियर आता है और एक कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। जब n की वैल्यू 1 होती है तो लीनियर आता है, जिसका जो कि मायोग्लोबिन का ग्राफ होता है,
और वो थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है, जिसमें एन की वैल्यू जो है 2.8 होती है, वो हीमोग्लोबिन का ग्राफ देखने को मिलता है। ये केसेस जो है वो आपके पास पाए जाते हैं। तो इन द केसेस ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व देयर इज अ सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द मॉड्यूलेटर्स जो कि बाइंड करते हैं ग्लोबिन के साथ, वो एक्चुअली में जो है अफिनिटी को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं बताता हूँ, डी आर आई एल जिसको बोलते हैं ड्रिल कर देना, डी आर आई एल अफिनिटी अगर डिक्रीज होगी तो कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और अफिनिटी अगर इंक्रीज होगी तो कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। जैसे कि अगर अफिनिटी जो है ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो अफिनिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे कि अगर PCO2 बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, BPG बढ़ेगा, ये सभी जो है बढ़ेंगे। अगर CO2 बढ़ा, H+ बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, DPG बढ़ा, ये सभी बढ़ रहे हैं, तो कर्व की जो है बाइंडिंग अफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम होती है, जिसकी वजह से जो है शिफ्ट राइटवर्ड होगा। अगर ये सभी कम होते हैं तो जिसकी वजह से आपकी अफिनिटी ज्यादा होती है तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। फीटस का हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज्यादा होती है इसलिए वो लेफ्टवर्ड होगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की अफिनिटी जो है, एडल्ट हीमोग्लोबिन की अफिनिटी फीटस से कम होती है तो वो आपके बेसिक तौर पर राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। तो इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें थी आपके हीमोग्लोबिन की बात। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोटीन एनालिसिस का। प्रोटीन की एनालिसिस जो है आप कर सकते हैं कई सारे मैकेनिज्म से, एसिड बेस, सैंगर मेथड, एडमंड मेथड, डेंसिल क्लोराइड मेथड एंड सो ऑन। एसिड की बात करें तो इसमें जो है आप 6 मोलर HCl का यूज करते हैं, हीट का यूज करते हैं, अमीनो एसिड का कंपोजिशन एनालाइज करते हैं। बेस हाइड्रोलिसिस की बात करें तो 4 मोलर NaOH और हीट का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन पता कर सकते हैं। और सैंगर मेथड की जब बात करते हैं तो FDN भी यूज करते हैं, एडमंड में PITC यूज करते हैं, और डेंसाइल में डेंसाइल क्लोराइड यूज करते हैं, जिससे कि आप एनालाइज करते हैं या तो N टर्मिनल का या तो N और C टर्मिनल का। ये सारी चीजें जो है वो बेसिक तौर पे इस प्रोटीन एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। मूविंग अहेड, सैंगर मेथड में जब बात करें तो आप सबसे पहले किसी पॉलीपेप्टाइड के N टर्मिनल को एल्काइल एनवायरमेंट में रखते हैं। एल्कलाइन एनवायरमेंट में रखने की वजह से NH2 जो है वहां पे आ जाता है, और यहां पे जो है 2,4-dinitro बेंजीन या जो है 2,4-2-fluoro या फ्लोरो 1,4-2,4-dinitrobenzene जो होता है उसको आप FDNB को देते हैं, जिसकी वजह से वो बाइंड करता है N टर्मिनल से। उसके बाद हाई एसिड कंसेंट्रेशन में वो टूटता है पहला अमीनो एसिड, और उसकी एनालिसिस कर लीजिए, बाकी फिर FDNB नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी रहेगा। एंड इन द केस ऑफ एडमेन में आप जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है PITC, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, जिसकी वजह से फिनाइल थायो जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनते हैं, जो फिर क्या बनाता है एनिलीनो थायो अजोलिनोन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाया जाएगा, जो कि बाद में फिनाइल थायो हाइडेंटोइन जिसको बोलते हैं PTH डेरिवेटिव कंपाउंड बनाता है, और वो फिर फाइनली जो है कन्वर्ट हो जाएगा, या इसकी एनालिसिस कर लेते। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके एजेंट्स में, सैंगर मेथड में FDNB, PITC में, एडमेन में PITC। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स या कुछ केमिकल्स का जो है आप यूज करते हैं एनालिसिस के तौर पे। CNBR स्पेसिफिकली कट करता है राइट साइड ऑफ मेथियोनिन से अगर वहां पे प्रोलीन ना हो तब। आइडोसोबेंजोएट करता है राइट साइड ऑफ ट्रिप्टोफैन में प्रोलीन ना हो तब। और हाइड्रोक्सिलामीन जो है वो बेसिक तौर पे एलेनिन और ग्लूटामेट के बीच में कट करता है, और या तो स्पैराजीन और ग्लाइसिन के बीच में कट करता है। इसके अलावा अमीनो पेप्टिडेज, एक्सो पेप्टिडेज होते हैं जो कि अमीनो साइड में कट करते हैं पहले पेप्टाइड बॉन्ड को। कार्बोक्सी पेप्टिडेज में ABC होता है, ए वाला किसी भी अमीनो एसिड को कट कर सकता है एक्सेप्ट आर्जिनिन और ग्लाइसिन को इन द सी साइड। बी वाला जो कट करता है सिर्फ आरके को कट करता है, और सी वाला जो कट करता है किसी भी अमीनो एसिड को कट कर सकता है, ये सी टर्मिनल साइड की जो है बात होती है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज ये एंडो पेप्टिडेज होते हैं जो कि सी टर्मिनल साइड पे कट करते हैं या राइट साइड पे कट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स पे, अगर प्रोलीन वहां पे ना हो तो। अगर आर्जिनिन और लाइसिन होगा तो ट्रिप्सिन कट करेगा, WYF वाइफ होगा तो काइमोट्रिप्सिन करेगा, और गावसिल जिसको बोलते हैं GAVSIL, अगर ग्लाइसिन एलेनिन वैलिन सेरीन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन हुआ तो ये कट करेगा इलास्टेज। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे भी एंडोपेप्टिडेज होते हैं जो कि एन टर्मिनल होते हैं, जैसे पेप्सिन थायमोलाइसिन, थर्मोलाइसिन। पेप्सिन जो होता है वो वाइफ के जो है राइट साइड लेफ्ट साइड कटता है एन टर्मिनल, और थर्मोलाइसिन जो है वो VIM वैलिन आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन के लेफ्ट साइड यानी एन टर्मिनल पे कट करता है, लेकिन कहीं पे भी प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके CSIR में आए हुए हैं, ये ध्यान होने चाहिए आपके पास, ठीक है। नाउ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप कट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस पेप्टाइड की बात करें तो ट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है,
और एंडोपेप्टाइडेज जब कट करता है तो आर्जिनिन और लाइसिन के राइट साइड में सी टर्मिनल पे, यहाँ पे देखो आर्जिनिन, आर्जिनिन के राइट साइड वाला बॉन्ड कट करेगा लेकिन नहीं कट कर सकता क्योंकि यहाँ पे प्रोलीन प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आर्जिनिन है, इस वाले बॉन्ड को कट कर सकता है लेकिन नहीं करेगा क्योंकि प्रोलीन प्रेजेंट है। तो ट्रिप्सिन इन दोनों बॉन्ड को कट करने की क्षमता रखता था लेकिन कट नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोलीन प्रेजेंट है। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो वो टायरोस वो राइट साइड में कट करेगा वाइफ यानी डब्ल्यू वाई और एफ के बीच में, एफ से राइट साइड कट करेगा लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड है और ये एंडोपेप्टिडेज है यानी पहले को कट नहीं कर सकता। इसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला भी कट नहीं करेगा तो ये कट नहीं कर सकता काइमोट्रिप्सिन। कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी यानी ये सी टर्मिनल की तरफ कट करेगा एक ऐसे अमीनोसिड का जो या तो आर्जिनिन हो या तो लाइसिन हो, यहाँ पे है फिनाइलएलनिन यानी कट होगा ही नहीं। ऐसे तरीके से बहुत सारे केसेस जो है वो आपके साथ बन सकते हैं। इन द केस ऑफ हियर ऑल्सो यू कैन ट्रिप्सिन के केसेस में देखोगे ये वाला बॉन्ड कट नहीं होगा लेकिन इसके बाद ये वाला बॉन्ड कट हो जाएगा, इस लाइसिन के इधर प्रोलीन नहीं है। इसके अलावा जो है और कहीं पे आपके पास आर्जिनिन या लाइसिन देखने को नहीं मिल रहा तो यू कैन जो है कैलकुलेट कि किस तरीके से कट हो रहा है और किस तरीके से नहीं हो रहा है। ये सारे प्रोटीन की बातें क्लियर है तो बताओ येस और नो, और कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। सुपर फास्ट चलो मजा आ गया। ऐसा रिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा यूट्यूब घूम के आ जाओ। ठीक है, हमने लगभग आधी यूनिट समाप्त कर दी है, एक घंटा बचा हुआ है, एक घंटे में देखना आधी यूनिट वो भी समाप्त करने वाले हैं फटाफट। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर दैट। एंजाइम के ऊपर जब बात करते हैं तो एंजाइम को क्लासिफाई कर सकते हैं, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होता है और बायो कैटलिस्ट के ऊपर जब बात करते हैं तो बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये बायो कुछ चीजें करते हैं जैसे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, एंड एक्टिवेशन एनर्जी को नॉट इंक्रीज करेंगे, ये जो है डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे और इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते। और कोई भी पर्टिकुलर कह सकते हैं एंजाइम प्रोटीन या आरएनए दोनों नेचर का हो सकता है। एंजाइम हैव सिग्निफिकेंट हायर रिएक्शन रेट, एंजाइम के पास हायर रिएक्शन रेट्स होंगे, डेफिनेट सी बात है। एंजाइम जो है वो अंडर माइल्ड कंडीशन काम करते, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में काम नहीं करते और इनकी स्पेसिफिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही बाइंड करेंगे, किसी भी एरो वेरू सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करते। एंजाइम हैव द कैपेसिटी फॉर द रेगुलेशन, एंजाइम को रेगुलेट किया जा सकता है। इसके बाद जब बात करते हैं तो एंजाइम जो है लगभग कितने हायर्स हो सकते हैं, 10^6 to 10^12 यानी लगभग जो है 10^6 to 10^12 टाइम्स हायर रेट को जो है बढ़ा सकते हैं और ऑप्टिमम कंडीशन इसको चाहिए ही चाहिए। एंजाइम के पास जो है बेसिक ऑफ यूनिट पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो मोनोमर हो या तो ओलिगोमर हो, दे कैन बी आइदर मोनोमर और ओलिगोमर। अगर एक सिंगल यूनिट का बना है तो मोनोमर, अगर मोर देन वन यूनिट का बना है तो ओलिगोमर बोलेंगे। और ये कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होंगे, प्रोटीन पार्ट को आप एपो एंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को को एंजाइम या को फैक्टर बोलते हैं। अगर इनऑर्गेनिक होगा तो को फैक्टर, अगर ऑर्गेनिक होगा तो को एंजाइम होगा, और अगर सिर्फ प्रोटीन का बना हो, नॉन प्रोटीन पार्ट का बना ही ना हो, तो उसको बोलते हैं सिंपल एंजाइम। अब इस पर्टिकुलर केस में जब हम बात करते हैं तो कई सारे जो है को फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि कॉपर, आयरन जो है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जो है, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम डाइनाइट्रोजनेज के लिए चाहिए होता है, वेनेडियम जैसे आप शो कर सकते हैं, पोटेशियम जो है वो चाहिए होता है पाइरूवेट काइनेजेस के लिए। तो कई सारे ऐसे को फैक्टर्स होते हैं, कई एंजाइम्स को चाहिए होते हैं प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। इसके अलावा देयर इज लॉट्स ऑफ को एंजाइम्स जैसे बायोसाइटिन, विटामिन एच जिसे बोलते हैं, CO2 के लिए जाना जाता है, को एंजाइम ए साइल ग्रुप के लिए होते हैं, B12 कोबालामिन हाइड्रोजन एटम के लिए होते हैं, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लिपोइड्स हैं, NADs हैं, थियामिन पायरोफॉस्फेट्स है, LDHIDs, बहुत सारे जो है अमीनो एसिड्स, बहुत सारे विटामिन जो है वो काम करते हैं को एंजाइम की तरह। तो ज्यादातर जो विटामिन आप देखते हैं ये सभी के सभी आप विटामिन बी के फॉर्म्स ही हैं, विटामिन बी का पूरा चाहे वो आपका थियामिन हो, निकोटिनामाइड हो, फ्लेविन एडिनिन न्यूक्लियोटाइड हो, ये सारे के सारे जो है अलग अलग विटामिन है जो कि क्या कर रहे हैं,
काम करते हैं किसकी तरह, को एंजाइम की तरह, किसके लिए, बहुत सारे एंजाइम के साथ जुड़ के उनको होलो एंजाइम बनाने के लिए। तो एंजाइम के क्लासिफिकेशन में कई सारे 6 क्लासिफिकेशन से एक और भी जुड़ गया है जिसको बोलते हैं आप ट्रांसलोकेजेस। तो सबसे पहला ऑक्सीडोरिएक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज एंड ट्रांसलोकेजेस को आप मेंशन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडोरिएक्टेज, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होगा तो ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होंगे तो हाइड्रोलेजेस, ग्रुप एलिमिनेशन होगा तो होगा लाइएजेस, आइसोमरेज मतलब आइसोमर का फॉर्मेशन होगा, लाइगेज मतलब वहां पे जोड़ा जाएगा यानी दो ग्रुप्स को जोड़ा जा रहा है, और एक है ट्रांसलोकेज जिसमें किसी ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो ये कंडीशंस आपके साथ बनेंगे। इन कंडीशंस में कई सारे कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशंस, ओटलिल जो है मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ तो एंजाइम में ओटलिल ऑक्सीडोरिएक्टेज हो जाएगा, ट्रांसफरेज हो जाएंगे जो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स करते हैं, हाइड्रोलेजेस एच का मतलब हाइड्रोलेजेस हो जाएंगे जो कि बेसिक तौर पे हाइड्रोलिस रिमूवल या इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर शो करते हैं, लाइएजेस में जो है प्रमोट या रिमूव करेंगे किसी ग्रुप का और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, आइसोमेरेजेस में जो है फैसिलिटेट करेंगे आइसोमर फॉर्मेशन का, लाइगेजेस जो है वो जोड़ते हैं दो ग्रुप्स को, और ट्रांसलोकेजेस जो है ट्रांसफर करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करने की कोशिश करें तो एंजाइम्स जो है क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। कैसे कम करता है कि जब एंजाइम किसी सब्सट्रेट से बाइंड करता है तो कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कुछ बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जब रिलीज हो रहा होता है तो उसी एनर्जी को ये दे देता है इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए, किसी सब्सट्रेट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ जो है एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगर वो अनकैटलाइज्ड है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, अगर वो कैटलाइज्ड है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, जिसकी वजह से आप बोलेंगे कि ये क्या है आपका एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। नाउ जब भी हम एंजाइम एक्टिवेशन की बात करते हैं उसमें कुछ इंटरनेशनल यूनिट और कुछ कैटल की बात होती है। इंटरनेशनल यूनिट को बोला जाता है माइक्रोमोल ऑफ द सब्सट्रेट कन्वर्टेड, क्वालिटी इंप्रूव करिए। ठीक है, गिव मी सेकेंड। थोड़ी देर सब्र करो। तो वी वर डिस्कसिंग दैट डेल्टा जी के ऊपर जब बात कर रहे थे, तो फिलहाल के तौर पे अब इस पर्टिकुलर केसेस में बात करें तो कुछ लोग बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होते सोचते हैं कि क्लास में जो है मेरा टांग खींच लेंगे, उन्हें पता नहीं कि वो किस जो है खतरे से मोल ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप सभी लोगों का जो है टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी, सार्केज्म और चीज़ें ख़त्म होती हैं वहाँ से वीरेंद्र सिंह शुरू करते हैं। जिस स्कूल में आप ये सब सीख के आ रहे होते हैं उस स्कूल का हेड मास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है, बस फ़र्क इतना है कि हम बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ों के लिए बाप को लेके आइएगा। फिलहाल के तौर पर जो है एनर्जी प्रोफाइल के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। तो वंस अगेन ये जो है मेरे पास एक्चुअली रिमोट रहता है, इस रिमोट में शट डाउन का भी बटन रहता है गलती से, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट और इतना ज़्यादा होता है तो शट डाउन का बटन दब जाता है, तो वो जो है पॉसिबल वो अचानक से हो गया। दैट्स अ सिंपल केस, बट ठीक है, बच्चों की बात नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ आगे जाना है। ठीक,
चलो, और उलझुल की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे जब मैं बात कर रहा था तो एनर्जी प्रोफाइल के ऊपर हम लेके चल रहे थे, और एनर्जी प्रोफाइल मैंने क्लासिफिकेशंस आपको डिस्कस कर दिए थे, और एनर्जी प्रोफाइल भी बता दिया था कि कैसे डेल्टा जी की जो है रिक्वायरमेंट कम की जा रही थी जब भी एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंग करता है, तब। ये सारी चीजें हमने पढ़ा। इसके बाद अब इंटरनेशनल यूनिट और कैटल की बात करते हैं। इंटरनेशनल यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी एंजाइम जो है कितने माइक्रोमोल ऑफ सब्सट्रेट को पर मिनट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। That amount of enzyme required to convert how many micromole of the substrate per minute. अगर एक मिनट में कितने micromole of substrate convert हो रहे, वही है international unit. And kettle की बात करें तो ये इसी unit को थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है कि कितने mole of the substrate को convert किया जा रहा है product में per second. अगर unit micromole per minute में हो तो वही international unit हो जाएगा, और अगर mole per second में हो तो वही unit kettle हो जाएगा। इनके interconversion को भी पूछा जाता है। जब भी आप जनरली देखेंगे तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वन कैटल जो होता है वो 6 × 10⁻⁷ इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होता है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हम काइनेटिक्स की बात करते हैं, एंजाइम जब किसी सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे दो काइनेटिक्स होते हैं, एक माइकलिस मेंसन और एक सल्डाने। माइकलिस मेंसन ने अजम्पशंस लिए थे और उन्होंने जो सॉल्व किया था उस इक्वेशन में गड़बड़ी क्या थी कि जब उन्होंने के एम प्राइम लिया था तो वो सिर्फ और सिर्फ K-1 और K1 को लिया था। अब K-1 और K1 क्या है, ये चीजें आपने कभी पढ़ी होंगी तो ठीक है। एंजाइम प्लस सब्सट्रेट जब बाइंड करते हैं तो बनाते हैं आपके ES कॉम्प्लेक्स, और ये कन्वर्ट होता है E+ P में, जहां पे ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन से ES कॉम्प्लेक्स में बनता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को K1 बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन को K-1 रिएक्शन रेट कांस्टेंट को, और ये जो है एक इरिवर्सिबल एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में K2 से। तो जब आप बात करते हैं तो माइकलिस मेंसन ने सिर्फ K-1 और K1 को लिया था, रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ES की बात करते हैं तब। लेकिन इन द केस ऑफ ब्रिक्स एंड अल्डाने उन्होंने KM की बात करी थी, और उन्होंने रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ES में K-1 और K2 दोनों को ही कंसीडर किया था, जिसकी वजह से ये रिएक्शन ज्यादा सुटेबल था, और आज इसी रिएक्शन को हम फॉलो करते हैं जो कि ब्रिक्स एंड अल्डाने ने दिया था। इस अजम्पशंस को आप स्टडी स्टेट बोलते हैं जो कि ब्रिक्स एंड अल्डाने ने लिया था, जबकि माइकलिस मेंसन के अजम्पशन को आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम अप्रोच, राइट। सो इसके अलावा कुछ काइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं। काइनेटिक पैरामीटर्स में एक्टिविटी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी या स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात होती है। एक्टिविटी जो होता है वो एक्चुअली में नॉर्मल टर्म में उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इसी को हम KCAT या टर्नओवर नंबर भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक एक्टिविटी को आप कैटालिटिक एफिशिएंसी भी बोलते हैं। काइनेटिक पैरामीटर में एक्टिविटी ही आपका Vmax होता है, दैट इज माइक्रोमोल पर मिनट, एंड मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ही KCAT होता है, दैट इज टर्नओवर नंबर, दैट इज कैटालिटिक एक्टिविटी, एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ही होता है आपका कैटालिटिक एफिशिएंसी। फॉर्मूले के तौर पे अगर एक्टिविटी को बोला जाए तो माइक्रोमोल ऑफ द सब्सट्रेट कन्वर्टेड पर मिनट इज एक्टिविटी, एंड मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दैट इज माइक्रोमोल पर मिनट डिवाइडेड बाय द एंजाइम अमाउंट ऑफ द एंजाइम इन माइक्रोमोल। यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना होता है मॉलिक्यूलर एक्टिविटी में, जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से जब अगर एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर दे तो वो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी हो जाएगी, और अगर आप प्रोटीन के अमाउंट की जगह वेट से डिवाइड कर दे mg वेट से तो वही हो जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। पहले आपको कन्वर्ट क्या करना है या कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिविटी। एक्टिविटी में अगर आप एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दे तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी हो जाएगी, या टर्नओवर नंबर हो जाएगा, या कैटालिटिक या KCAT हो जाएगा। लेकिन अगर उसी एक्टिविटी को आप एंजाइम के mg वेट से डिवाइड कर दे तो वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी या कैटालिटिक एफिशिएंसी। इसका यूनिट होता है माइक्रोमोल पर मिनट, इसका होता है सिर्फ पर मिनट कैटालिटिक जो एक्टिविटी टर्नओवर नंबर या KCAT का, और कैटालिटिक एफिशिएंसी या स्पेसिफिक एक्टिविटी का यूनिट होता है माइक्रोमोल पर मिनट पर mg। ये जो है कंडीशंस आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये फॉर्मुलेज होते हैं। एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं माइक्रोमोल पर मिनट में, दैट इज Vmax भी वही होता है। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी या KCAT या टर्नओवर नंबर क्या होता है, एक्टिविटी अपॉन प्रोटीन इन माइक्रोमोल, एंड KCAT क्या होता है, Vmax अपॉन E0 बोलते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है एक्टिविटी अपॉन एंजाइम इन mg, या कैटालिटिक एफिशिएंसी को बोलते हैं KCAT/KM। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम का फॉर्मूला। इसके कई सारे टेबल में क्वेश्चन आते हैं, या आपके इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में आए, जनरली या तो KCAT/KM की वैल्यू दिया रहे या एक्टिविटी और जो है प्रोटीन की वैल्यू दिया रहे। इससे जब भी कंपैरिजन की बात आए तो आपको करना क्या होता है, आपको KCAT/KM कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। लाइव के बाद ये यूट्यूब पे रहेगा जी, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है।
ये ना तो पीडीएफ मिलेगा ना ही यूट्यूब पे कहीं पे रहने वाला है, जो लाइव देखा देखा ना उसके बाद काम खत्म। ठीक, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है माइकलिस मेंशन के बाद, तो माइकलिस मेंशन इक्वेशन जो कि v इक्वल टू वी मैक्स इनटू s km प्लस s को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए lb हैंसवर्ड फॉर ed हॉप्सी आते हैं, अगर आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो lb प्लॉट आ जाएगा, उसी में आप s का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हैंसवर्ड आ जाएगा, और उसी lb में अगर आपने v और v मैक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो ed हॉप्सी आ जाएगा। इसमें जो बात आती है वो है एक्सिस की, अगर इन द केस ऑफ lb प्लॉट y एक्सिस 1 by v होता है, x एक्सिस 1 by s होता है, इन द केस ऑफ हैंसवर्ल्फ s by v और s होता है, इसमें v और v by s होता है। और इसी पे मैंने इक्वेशन बताया था, अगर कभी आपने पढ़ा हो कि अगर आपको एक्सिस पता हो तो आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y is equal to mx plus c के साथ, और ड्राइव भी कर सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ। तो यह है lb ग्राफ, यह हैंसवर्ल्फ और यह है ed हॉप्सी, कैसे करना है ये आप आराम से देख लेना। नाउ अगर हम देने की कोशिश करें तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके से, या तो आप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कर दीजिए, यही आपका स्लोप हो जाएगा, या तो आप जो है y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट का रेशियो ले लीजिए, वो भी आपके स्लोप के बराबर ही होगा। इसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन के लिए जो है कोई ना कोई एंजाइम रेगुलेटरी नेचर का होता है, यानी उसके पास एक एक्टिव साइट होगा और एक एलोस्ट्रिक साइट होगा, कोई भी इनहिबिटर या तो एक्टिव साइट पे कंपीट करे या तो एलोस्ट्रिक पे करे या दोनों पे करे या तो किसी पे ना करे, कुछ इस तरीके की कहानी जो है वो हो सकती है। तो इनहिबिटर्स जनरली नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स होते हैं जो कि किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं और काइनेटिक पैरामीटर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वीमैक्स और केएम। वीमैक्स को जनरली कोई भी इनहिबिटर घटाता है और पीएम को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, डिपेंडिंग कि उसका इफेक्ट कैसा है। तो कोई भी मॉड्यूलेटर जो होता है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, अगर वो इंक्रीज करे तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और डिक्रीज करे तो इनहिबिटर की बात करते हैं। अगर इनहिबिटर कॉम्पिटेटिव है तो वो एक्चुअली में बाइंड करता है, एक्टिव साइट से कम्पीट करता है, केएम की वैल्यू को बढ़ाता है और वीमैक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, और वन अपॉन केएम, क्योंकि केएम बढ़ा है तो वन अपॉन केएम घटेगा, और वीमैक्स कांस्टेंट है तो वन अपॉन वीमैक्स भी कांस्टेंट रहेगा। नॉन कॉम्पिटेटिव में जो है केएम कांस्टेंट होता है और वीमैक्स घटता है, अनकॉम्पिटेटिव में दोनों घटते हैं, और मिक्स्ड वाले में कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव मिक्स्ड होता है, इसी वजह से केएम बढ़ता है और वीमैक्स घटता है। तो ये मिक्स्ड वाले कंडीशंस कुछ इस तरीके से बनते हैं। नाउ फिलहाल के तौर पे जो है ये कंडीशंस आपके केएम वीमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ग्राफिकल फॉर्म में भी, एक बार ध्यान रखें। तो इनहिबिशन में जो है अगर फ्री एंजाइम से बाइंड करता है, एक्टिव साइट से कम्पीट करता है, एफिनिटी कम करेगा, केएम बढ़ाएगा और वीमैक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, ऐसे इनहिबिशन को बोलते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, जो कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक्चुअली में रिजेंबल कर रहे हैं, सिमिलर दिख रहे होते हैं। अगर वो सिर्फ फ्री एंजाइम से बाइंड कर रहा है तो उसको एलोस्टिक साइट पे बाइंड करेगा, रेट को कम करेगा और वीमैक्स को भी कम करेगा, अफिनिटी सेम रहेगी, केएम कांस्टेंट रहेगा, नॉन कॉम्पिटेटिव है। अगर वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है और एलोस्ट्रिक पे भी बाइंड कर रहा है तो अफिनिटी भी कम करेगा, रेट भी कम करेगा, यानी केएम बढ़ाएगा वीमैक्स करेगा, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एलोस्ट्रिक साइट पे बाइंड करता है ओनली विथ ईएस कॉम्प्लेक्स, यानी तभी जब सबस्ट्रेट बाइंडेड है, तो इस केसेस में रेट को तो घटाता है लेकिन अफिनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इनहिबिटर तभी बाइंड कर रहा है जब ईएस कॉम्प्लेक्स बाइंड कर रहा है, अफिनिटी सबस्ट्रेट से बढ़ जाती है, इसलिए केएम घट जाता है, यानी वीमैक्स और केएम दोनों ही घट जाते हैं, ऐसा जो है केस अनकॉम्पिटेटिव केस कहलाता है। तो अगेन वही चीज है कि इन द केस ऑफ कॉम्पिटेटिव आप केएम को बढ़ते हुए देखते हैं, वीमैक्स को कॉन्स्टेंट देखते हैं, इन द केस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव केएम कॉन्स्टेंट रहता है, वीमैक्स घट रहा होता है, मिक्स में केएम बढ़ रहा होता है, वीमैक्स घट रहा होता है, और अनकॉम्पिटेटिव में दोनों ही घट रहे होते हैं। और वही इफेक्ट जो है वो आपको एक इनहिबिटरी फैक्टर को यूज किया जाता है, जो चीज बढ़ती है उसमें इस इनहिबिटरी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज घटती है उसमें इनहिबिटरी फैक्टर को डिवाइड करते हैं, और उस इनहिबिटरी फैक्टर को बोलते हैं अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस आई अपॉन के आई। तो यहाँ पे आपने रखा और इस तरीके से चीजें को सॉल्व कर दिया। ग्राफ के तौर पे आता है यूपी के नाना पाटेकर पीसी लेकर आए, यानी कि अगर अनकॉम्पिटेटिव है तो उसका ग्राफ आपको पैरेलल मिलेगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका ग्राफ जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मिलेगा, ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के हैं, और अगर कॉम्पिटेटिव के इनहिबिशन के हैं तो वो आपके बेसिक पॉजिटिव पे मिलेगा, और अगर वो दोनों के बीच में मिल रहा है तो वो होता है आपका दैट इज मिक्स्ड इनहिबिशन का। तो ये इंटरमीडिएट केसेस में मिलता है। इसका निमोनिक्स जो अक्सर यूज करता हूं यूपी के नाना पाटेकर एमआई के पीसी लेकर है, एमआई के पीसी लेकर है, अनकॉम्पिटेटिव पैरेलल, नॉन कॉम्पिटेटिव नेगेटिव एक्सिस, मिक्स्ड वाला इंटरमीडिएट, और कॉम्पिटेटिव जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो है वो आपको मिलेगा।
तो ये देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस कॉम्पिटेटिव, नेगेटिव एक्सिस नॉन कॉम्पिटेटिव, पैरेलल अनकॉम्पिटेटिव और इंटरमीडिएट है एक्स और वाई के बीच में तो मिक्स्ड इनहिबिशन। ग्राफ को पकड़ने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वही चीज को मैंने इस तरीके से शो किया हुआ है, तो वहां पे यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स के केसेस भी मेटाबॉलिज्म में आप देखने को मिलता है। इन द केस जैसे मेटाबॉलिज्म में आप अल्फा कीटो ग्लूटरेट फैमिली से कई सारे जो है अमीनो एसिड्स बनते हैं, कुछ फैमिली पाइरूवेट से बनते हैं विला वाले केसेस, कुछ सेरीन के फैमिलीज है, राइबोज 5 फॉस्फेट से हिस्टिडीन का फैमिली बनता है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से एरोमेटिक फैमिली है, स्पार्टेट फैमिली है, ये सारे कुछ फैमिलीज आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका यूज जो है वो कई सारे हार्मोन के प्रोडक्शन में होता है, जैसे ट्रिप्टोफान का यूज होता है सीरोटोनिन के प्रोडक्शन में, ऑक्सिन के हार्मोन के प्रोडक्शन में, टायरोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है जिसका यूज होता है डोपामीन, जो कि एक बड़ा ही कह सकते हैं रिलैक्सिंग हार्मोन हमारे बॉडी में होता है डोपामीन के सिंथेसिस में, और वही जो है एपिनेफ्रिन भी जो है बनाता है। ग्लूटामेट का आप यूज करते हैं गाबा के सिंथेसिस के लिए, तो ग्लूटामेट जो है वो गाबा के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके यूज मतलब बेसिक तौर पे किए जाते हैं कि कौन कौन सा अमीनो एसिड कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये आता है कि डिजीज जो है वो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़ा रहता है, और उसमें जो है कुछ स्पेसिफिक डिजीज जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, क्रिएटिनिज्म, टायरोसिनीमिया, एल्कैप्टोन्यूरिया, ये सब आते रहते हैं। खासकर एंजाइम की जब बात करें तो अगर आपके जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसकी वजह से अगर कोई डिजीज इसके म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज होता है तो उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज की वजह से कोई म्यूटेशन होता है तो उसको बोलते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया, और ये दोनों बहुत ही कॉमन पूछे जाते हैं। और अगर ट्रांस अमीनेजेस की वजह से कोई डिजीज है तो उसको आप एल्बिनिज्म की कैटेगरी में जो है वो रखते हैं। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्कैप्टोन्यूरिया किस एंजाइम के म्यूटेशंस की वजह से डिजीज हो रहा है वो ध्यान होना चाहिए। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेजेस की वजह से तो PKU यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया, अगर होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज की वजह से हो रहा है तो एल्कैप्टोन्यूरिया, ये ध्यान होना चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन को बोला जाता है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं कि उसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है। मोनोसेक्राइड्स जो है एक सब यूनिट्स के बने हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोलोजेस, राइबोजेस, ये सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके ऑलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं 2 से 10 सब यूनिट्स के बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है माल्टोजेस, सुक्रोजेस, लैक्टोजेस, ये सब पाए जाते हैं। पॉलीसेक्राइड्स ग्रेटर देन 10 सब यूनिट्स के बने होते हैं, स्टार्च, सेलुलोजेस, ग्लाइकोजन, ये सब जो है पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। इनमें डी और एल का कॉन्फिगरेशन भी होता है, जैसे अमीनो एसिड में डीएल कॉन्फ़िगरेशन अमीनो ग्रुप के लेफ्ट और राइट के प्रेजेंस में शो किया जाता है। यहाँ पे जो प्रेजेंस शो किया जाता है वो डी और एल का प्रेजेंस बेसिक तौर पे इस पे शो किया जाता है कि OH का ग्रुप जो सबसे फार्देस्ट कायरल सेंटर है उसका राइट है या लेफ्ट। अगर राइट साइड में है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर राइट साइड में तो आप एल बोलेंगे और लेफ्ट साइड में है तो आप राइट साइड में तो डी बोलेंगे और लेफ्ट साइड में तो उसको एल बोलेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। एंड इसके अलावा जो है अगर यही जो है मोनोसेक्राइड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, पायरोन या फ्यूरोन। 5 मेंबर्ड का रिंग है तो फ्यूरोन और 6 मेंबर्ड का रिंग है तो वो आपका पायरोन बनता है। तो इस तरीके के केसेस बन सकते हैं। इसके अलावा एपीमर्स का क्वेश्चन काफी आता है कि ग्लूकोज के 2 एपीमर्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। एपीमर का मतलब होता है कि ऐसे पर्टिकुलर डायस्टीरियोमर जिनका जो एक ही कार्बन पे डिफरेंसेस शो करते हैं OH के पोजिशन में। तो ग्लूकोज का एक एपीमर होता है मैनोज, जिसमें एपीमर C2 पे होता है, और ग्लूकोज का एक एपीमर है गैलेक्टोज, जिसमें एपीमर कार्बन नंबर 4 पे होता है। तो मैं अक्सर जो है MG की जब बात करते हैं तो होता है 24, ग्लूकोज मैनोज में हो जाता है 22 पे और 4 पे होता है गैलेक्टोज पे। मैनोज जो है C2 एपीमर है और गैलेक्टोज जो है C4 एपीमर है। तो 24 के उम्र में जो है मनोज ने गर्लफ्रेंड बनाया, दिस इज द निमोनिक्स। मनोज या मैनोज एक ही चीज है, और 24 की उम्र में गर्लफ्रेंड यानी गैलेक्टोज बनाया, तो ये कहानी जो है हो सकती है। ठीक है, तो ये ज्यादा कंडीशंस डेवलप होता है। इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो गैलेक्टोज में कुछ साइक्लिक एपीमर के फॉर्म में ऐसे हो सकते हैं। इन द हियर अगेन जब C4 की बात करें तो देखो ग्लूकोज में C4 का OH नीचे है, यहाँ पे गैलेक्टोज में C4 का OH जो है वो आपका ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपका एपीमर ऑफ द ग्लूकोज। और ये देखिए C2 की बात करते हैं तो C2 अगर नीचे है और C2 का OH ऊपर है तो ये मैनोज है। तो ये नंबरिंग जो है ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। तो इसके अलावा जो ये साइक्लिक फॉर्म बनता है लीनियर से साइक्लिक, इसमें OH का पोजीशन एनोमेरिक कार्बन पे कैसा है, वो एनोमेरिक कार्बन पे OH का पोजीशन नीचे तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, इनके बीच में इंटर कन्वर्जन को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और कई सारे मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं,
अगर वो मोनोसेक्राइड्स प्लस एल्कोहल हो तो उसको आप बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स, अगर वो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है चाहे तो आपके सी एच ओ का या ओ एच का या कीटोन का, तो उसको सुगर एसिड्स बोलते हैं, जैसे जॉर्बिटोल एंड बहुत सारे हैं। ग्लाइकोसाइड्स में एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है अवोआबेन का, जो कि एक इनिबिटर है एन ए प्लस के प्लस एटीपेजेस का, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है ट्रांसलेशन इनिबिटर के तौर पे। इसके अलावा सुगर एल्कोहल, यानी कि यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस किया जाएगा एल्कोहल में, तो सुगर एल्कोहल बोलेंगे, या कई बार जो है ओ एच ग्रुप को जोड़ा जाता है अमीनो से, तो इसको बोलते हैं अमीनो या एसिड अमीनो सुगर्स बोलते हैं, और उनको एसिटाइल ग्रुप से जोड़ दिया जाए तो उसी को बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन, ऐसे जो अमीन जोड़ते हैं ग्लूकोसामीन गैलेक्टोसामीन, वो कंडीशंस जो है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा कई सारे सैकेराइड्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पाए जाते हैं, कुछ डाई है और कुछ पॉली है। माल्टोजेस ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना होता है अल्फा 1,4 लिंकेज है, लैक्टोजेस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बीटा 1,4 लिंकेज है, सुक्रोजेस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है अल्फा 1,2 लिंकेज है। इसके अलावा स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोज में अल्फा 1,4 होता है, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स में जैसे सेलुलोज में ग्लूकोज का सब यूनिट जुड़ा होता है बहुत सारा बीटा 1,4 से, काइटिन में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है बीटा 1,4 लिंकेज से, इनुलिन में फ्रक्टोज होता है बीटा 2,1 से, हाइलुरोनिक एसिड में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड्स होते हैं बीटा 1,4 और बीटा 1,3 से। ब्लड जो है एंटीजन्स में फ्यूकोज होते हैं बीटा 1,2 और अल्फा 1,2 से। तो ये सारे कंडीशंस जो है वो आपके साथ पाए जाते हैं, और इनमें जो लिंकेज है वो ध्यान होना चाहिए कि किसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है। इसके अलावा कई सारे लिंकेज के जो है या कई सारे जो डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का यूज यहाँ पे मेंशन किया गया कि सुक्रोज कहाँ पे क्या है कौन सा लिंकेज जो है वो पाया जाता है, जो जनरली मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेसिस में या न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर मिलकर बनाता है न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट के साथ जुड़ के बनाता है न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ के बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वो बनाता है डीएनए और आरएनए। अब नाइट्रोजनस बेसिस या तो प्यूरीन हो सकते हैं या तो पिरिमिडीन हो सकते हैं, और जनरली ये जो है एरोमेटिक स्ट्रक्चर है यानी रिंग स्ट्रक्चर है, तो एब्जॉर्बेंस भी शो कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट पाया जाता है, जो कि आप न्यूक्लियोटाइड में देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस का रोल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाना, स्टैकिंग इंट्रैक्शन को बनाना और एब्जॉर्बेंस को प्रमोट करना। जो डबल हेलिकल डीएनए आप शो करते हैं उस डबल हेलिकल डीएनए में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन होता है वो होता है स्टैकिंग इंट्रैक्शन या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वो इसी नाइट्रोजनस बेस की वजह से होता है, ना कि ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डबल हेलिकल डीएनए बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हेलिकल डीएनए बनता है वो बनता है स्टैकिंग इंट्रैक्शन की वजह से। पेंटोज सुगर जो राइबोज होते हैं वो एक्चुअली में 3D स्ट्रक्चर्स यानी पकरिंग को कायरलिटी और 3D स्ट्रक्चर्स के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फॉस्फेट का काम होता है बैकबोन बनाना और साथ में नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना, क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये सारी चीजें पाई जाती है। एब्जॉर्बेंस के तौर पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ मोलर एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट है, जिसमें आप सबसे ज्यादा जो एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट एएमपी फिर जीएमपी फिर यूएमपी एंड सो ऑन सो करें, तो एएमपी फिर जीएमपी फिर उसके बाद यूएमपी फिर टीएमपी एंड सीएमपी, ये कुछ इस तरीके के शो किया जा रहा है मोलर एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट। प्यूरीन का एब्जॉर्बेंस जो होता है वो पिरिमिडीन की तुलना में ज्यादा ही होता है, क्योंकि प्यूरीन में 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जबकि पिरिमिडीन में जो है एक ही रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन में बिकॉज ऑफ द 2 रिंग्स इसका एब्जॉर्बेंस ज्यादा है, और पिरिमिडीन में एक रिंग की वजह से एब्जॉर्बेंस कम है। कुछ इस तरीके का प्यूरीन का रिंग होता है और कुछ इस तरीके का पिरिमिडीन का होता है। अब इसमें जो है सेकंड पोजीशन पे अगर 6th पे अमीनो ग्रुप जुड़ गया तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं एडिनिन, अगर 2nd पे अमीनो हो गया और 6th पे ऑक्सी हो गया तो गुआनिन हो जाता है। इन दिस केस अगर दोनों 2,4 दोनों पे डाई ऑक्सी हो जाए तो यूरासिल, 2 पे ऑक्सी और 4 पे अमीनो तो साइटोसिन, 2,4 डाइऑक्सी पे 5th पे मिथाइल तो थाइमिन हो जाता है। ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। सुगर जो यूज होता है डीएनए और आरएनए में वो होता है बीटा डी राइबोज, अगर राइबोज होगा तो आरएनए, डीऑक्सी राइबोज होगा तो डीएनए, ये यूज किया जाता है इन द केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगर इस सुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ चाहे वो कोई भी हो प्यूरीन प्यूरीमिडीन कोई भी नाइट्रोजनस बेस के साथ, एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट होता है न्यूक्लियोसाइड, 2 है तो डाइफॉस्फेट, 3 है तो ट्राइफॉस्फेट, कुछ इस तरीके के नॉमेनक्लेचर को जो है मेंशन किया जाता है। अब सवाल आता है कि इसमें जो प्यूरीन का रिंग कहाँ से आया या पिरिमिडीन का रिंग जो है वो कहाँ से आया, तो इसके लिए कुछ अमीनो एसिड्स को जो है आप शो करते हैं। तो फिलहाल के तौर पे जब हम रिंग की बात करते हैं तो मैंने कई सारे न्यूमेनिक्स वो बताए हुए हैं। अगर नाइट्रोजन में प्यूरीन की बात करते हो तो नाइट्रोजन जो आता है उसका एक बहुत ही कॉमन सा है
713 दैट इज ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन, यानी सेवेंथ नंबर का जो नाइट्रोजन है वो आता है ग्लाइसिन से, पहला नंबर का नाइट्रोजन आता है स्पार्टेट से, और थ्री और नाइन्थ वाला नाइट्रोजन आता है ग्लूटामीन के अमाइड नाइट्रोजन से, ये बताया गया है। इसके अलावा जो है कार्बन की बात करें तो उसका होता है FB26, यानी दूसरा कार्बन फॉर्मेट से आता है, और दूसरा और आठवां कार्बन फॉर्मेट से, और छठवां कार्बन जो है वो बाई कार्बोनेट से आता है, बाकी बचे हुए कार्बन ग्लाइसिन से आते हैं। तो आप यहाँ पे जो नंबरिंग है वो आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से आते हैं। देन मैंने इसको बताया था जब पिरिमिडीन रिंग होता है तो इसमें जो है द क्वेश्चन बैंक वो 132, यानी कि पहला नाइट्रोजन स्पार्टेट से, तीसरा नाइट्रोजन ग्लूटामिन से, और दूसरा कार्बन जो है बाई कार्बोनेट से, बाकी बचे हुए कार्बन जो है वो स्पार्टेट से ही आते हैं। तो ये सारे मैंने बता रखे हैं। और अगर इसमें अगर ऑर्डर पूछा जाए कि किस ऑर्डर में जो है इसके नंबरिंग असेंबल्स होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे नंबरिंग जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ ऐसे नंबरिंग होती है, इसमें नंबरिंग जो है नीचे से होती है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 करके। तो ये जो नंबरिंग है इसमें ये मैंने एक 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर आपने याद कर लिया तो इसी सिक्वेंस में चीजें एड ऑन होती हैं। 945, 783, 0, 261 ठीक है। तो सबसे पहला जो है 9 ऐड होगा, देन उसके बाद जो है 4, 5, 7 and 8 ऐड होंगे, एंड देन फिर 3, फिर उसके बाद 0, 0 का मतलब है साइक्लिक का फॉर्मेशन होगा छोटा वाला, फिर उसके बाद थर्ड सेकंड, फिर 6, फिर उसके बाद जो है आपका 1, एंड देन फिर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलता है इस ऑर्डर में कौन कौन सा कैसे जुड़ता है। तो जब इसी चीज से मेटाबॉलिज्म भी रिलेटेड होता है, जब आप प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सट्रेट होता है वो होता है फॉस्फोराइबोसिल पाइरोफॉस्फेट, यानी जो राइबोज होता है उसके पांचवें नंबर पे फॉस्फेट जोड़ा जाता है और पहले नंबर पे पाइरोफॉस्फेट जोड़ा जाता है। तो सुगर को सबसे पहले चार्ज किया जाता है पाइरोफॉस्फेट से और फिर उसी को यूज किया जाता है, 11 स्टेप का यूज करता है, जो मैंने वो नंबर दिया था उनका यूज करके सबसे पहला जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनता है वो है IMP दैट इज इनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसमें जो बेस होता है वो एक्चुअली में हाइपोजैंथिन होता है। इसके बाद ये IMP कन्वर्ट होता है AMP में और GMP में, और GMP बनने से पहले वो XMP में होता है जिसमें हाइपोजैंथिन की जगह जैंथिन मोनोफॉस्फेट जो होता है, और फिर ये कन्वर्ट होते हैं और AMP ATP तक जाता है, GMP GTP तक जाता है। सिमिलरली जबकि पिरिमिडीन में सबसे पहला जो होता है वो ओरोटेट से बनता है ओरोटेट मोनोफॉस्फेट, और फिर बनता है UMP, और उससे फिर UDP और UTP से फिर CTP, और यहीं से UMP से बनता है DUMP, और इस DUMP से बनता है DTTP या TMP, और उससे बनता है DTTP। दिस इज द केस कैसे जो है डीऑक्सी वाले जो थायमीन बनते हैं। तो इस तरीके का कंडीशंस जो है वो आपको देखने को मिलता है पिरिमिडीन और प्यूरिन में। ये जो पाथवे आप देख रहे हैं इस पाथवे को ही बोला जाता है दैट इज डी नोवो पाथवे। ये दोनों पाथवे जो है वो नए तरीके से बनते हैं, PRPP से बन रहे हैं तो आप उसको बोलते हैं डी नोवो। साल्वेज पाथवे भी PRPP में करता है लेकिन ये डायरेक्ट बेस को ऐड कर देता है, मॉडिफाई कर देता है विद टू एंजाइम्स। प्यूरिन के लिए एक पहला HGPRT हाइपोजैंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेजेस, और दूसरा एंजाइम होता है APRT दैट इज एडिनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेजेस। यही दो एंजाइम मिलके काम करते हैं किसमें, साल्वेज पाथवे में, और ये हाइपोजैंथिन या गुआनिन को IMP या GMP में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम, और APRT एडिनिन को कन्वर्ट करता है AMP में। और सिमिलरली दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है PPRT पिरिमिडीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेजेस, और एक होता है OPRT ओरोडाइलेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये ओरोटेट को OMP में कन्वर्ट करता है, और जबकि पिरिमिडीन को जो है पिरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है PPRT। तो ये सारे जो है चाहिए होते हैं। तो PRPP से सिंथेसिस होकर पिरिमिडीन या प्यूरिन बनता है, अगर उनको डिग्रेड करें तो पिरिमिडीन से बनता है बीटा एलेनिन और प्यूरिन से बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक टॉक्सिक कैटाबोलिक प्रोडक्ट है प्यूरिन का, जबकि बीटा एलेनिन एक कैटाबोलिक प्रोडक्ट है पिरिमिडीन का, जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है। तो ये सारी चीजें एक न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि न्यूक्लियोसाइड में पकरिंग और न्यूक्लियोसाइड का जो ओरिएंटेशन, ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे C3 इंडो की बात करें और C2 इंडो, जो कि पकरिंग में जो है कार्बन का जो C2 और C3 कार्बन होता है उसी की पकरिंग की बात होती है, जिसमें C3 इंडो आपके कहाँ पाए जाते हैं, ZDNA में, RNA-DNA हाइब्रिड में, RNA में, ADNA में, इन सभी में जो है C3 इंडो होता है, जबकि C2 इंडो पाया जाता है BDNA में और पिरिमिडीन ZDNA में। ZDNA का जो पिरिमिडीन होता है उसमें C2 इंडो होता है। न्यूक्लियोसाइड के दो कन्फर्मेशन हो सकते हैं, NT या SYN। प्यूरिन के लिए दोनों पॉसिबल है, NT या SYN।
एंटी ए और बी डीएनए में पाया जाता है, जबकि सिन पाया जाता है जेड डीएनए में। पिरिमिडीन में जो है एंटी होता है, चाहे ए बी जेड हो किसी भी केसेस में। इसके कई सारे केसेस जो है ए बी जेड डीएनए के कंडीशंस को आप शो करते हैं, कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन होता है। अगर बल्कि ग्रुप जो है वो ओ के प्रेजेंस में तो सिन होगा, अपोजिट में होगा तो वो आप एंटी ओरिएंटेशन जो है शो कर सकते हैं। पकरिंग के तौर पे अगर सी टू अंदर की तरफ है तो सी टू इंडो, सी टू बाहर की तरफ तो एक्सो, सी थ्री अंदर की तरफ है तो सी थ्री इंडो, इस तरीके का पकरिंग जो है आप शो कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पर यह बी डी एन ए का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो कि फ्रैंकलिन ने ग्राफ दिया था, जिसमें कुछ इस सेंटर से आपके कई सारे लाइंस को काउंट किया जाता है, 1 2 इस तरीके से 10 लाइंस है, यानी 10 बेस पेयर पर टर्न जो है वो पाया जाता है, समथिंग लाइक दिस वन। तो इस तरीके से ए और बी डी एन ए के डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं, और जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं। कॉम्परेटिव तौर पे अगर देखा जाए तो ए डी एन ए राइट हैंडेड है, बी डी एन ए राइट हैंडेड है, जेड डी एन ए लेफ्ट हैंडेड होता है। इसमें जो है रिपीटिंग, जो रिपीटिंग यूनिट है 1 बेस पर, इसमें 1, इसमें 2 होता है। जो बेस पेयर पर्टर्न है इसमें 10.4, इसमें 10.7 और इसमें 12 पाया जाता है। मेजर ग्रुप इसका वाइडर होता है और इसका मेजर ग्रुप नैरो, इसका मेजर ग्रुप फ्लैट होता है। इसमें एंटी कॉन्फर्मेशन होता है सी टू विंडो, इसमें एंटी सी थ्री विंडो होता है, जबकि इसमें एंटी और सिन दोनों होता है और C2 और C3 दोनों होते हैं। तो इसी के कई सारे निमोनिक्स मैं जनरली बताता हूं कि अमन की BMW झाड़ी में फंस गई, अमन की BMW झाड़ी में फंस गई। इसका मतलब है ये मेजर ग्रुप की बात है, ए डी एन ए का मेजर ग्रुप नैरो, बी डी एन ए का मेजर ग्रुप वाइडर, जेड डी एन ए का मेजर ग्रुप फ्लैट हो गया। और इसके अलावा जो है अमिताभ बच्चन की ज्यादा जो है क्यूट गर्लफ्रेंड, अमिताभ बच्चन जी ने 23 की उम्र में, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी जो है 32 की उम्र में 23 की ज्यादा क्यूट गर्लफ्रेंड का आस लगा के बैठे हुए थे। तो अगर आप ध्यान दें तो अमिताभ बच्चन जी 32 की उम्र में ज्यादा क्यूट गर्लफ्रेंड के लिए और वो 23 की उम्र में आस लगा के, इसका मतलब क्या है, ए के लिए सी थ्री इंडो, बी के लिए सी टू इंडो और जेड डी एन ए में की यानी साइटोसिन के लिए जो है वो हो जाएगा सी टू इंडो, गुआनिन के लिए सी थ्री इंडो हो जाएगा। तो ये जो है कई बार क्वेश्चन आता है, नॉट वन टाइम्स, मेनी टाइम्स अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये कम से कम उनका मेजर माइनर और जो एंटी सी टू इंडो ये सारे कंडीशंस हैं। और साथ में ए और बी डीएनए में दोनों में एंटी होता है और जेड डीएनए में सिन और एंटी दोनों ही होते हैं। अगर आपने ये चीज ध्यान रख ली तो ये वाला जो लास्ट लाइन है और ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और कभी कभी जो उनका नेचर है हेलिक्स का राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड, वहां से क्वेश्चन बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपके पास पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए में कुछ चीजें पाई जाती हैं, और अगर कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी आता है कि जो जनरली डीएनए काफी स्टेबल होता है, क्योंकि जनरली उसके पास जो है 2' OH नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाता, लॉन्ग लाइफ है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि ये ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, किसी भी फॉर्म ऑफ हेलिक्स में हो सकता है, इवन जेड फॉर्म में भी, लेकिन आरएनए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिस फॉर्म में हेलिक्स में पाया जाता है वो है ओनली ए फॉर्म ऑफ हेलिक्स। आरएनए कैन फॉर्म सिर्फ ए फॉर्म का हेलिक्स बना सकता है, जबकि बाकी जो है वो ए बी जेड सभी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर का, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको आप बोलते हैं टीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, दैट इज 4G+C इन प्लस 2 इंटू ए प्लस टी, डिग्री सेंटीग्रेड में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मेल्टिंग टेम्परेचर इंट्रिंसिक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो जीसी कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो टीएम ज्यादा होगा, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब पीएच टीएम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे पीएच बढ़ाएंगे मेल्टिंग टेम्परेचर घटेगा, या आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो डीनेचर किया जा सकता है डीएनए को बाय सम ऑफ द एजेंट्स, जैसे प्रोटीन को कर सकते थे, डीएनए को डीनेचर करने के लिए आप टेम्परेचर का यूज कर सकते हैं, जबकि फिजिकल एजेंट है जो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे डीएनए का डबल हेलिकल फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बेसिक तौर पर टूट जाता है। केमिकल के लिए यूरिया, एथेनॉल या हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट्स का यूज कर सकते हैं, जो कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट बदल सकते हैं, सॉलिबिलिटी या स्टैकिंग इंट्रैक्शन को तोड़ के क्या कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए को हटा सकते है। तो डीनेचुरेशन जो है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को जनरली तोड़ते हैं, एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते नहीं है, क्योंकि डिग्रेडेशन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ा जाता है। जैसे आप यहां पे देखें तो जब बहुत ज्यादा जीसी कंटेंट होगा तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफी ज्यादा है और डीनेचुरेशन काफी कम है, लेकिन अगर बहुत एटी कंटेंट होगा तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम, डीनेचुरेशन ज्यादा, और अगर जो नॉर्मल होगा जिसमें एटी जीसी बैलेंस्ड है नेचुरली, तो वो इन दोनों के बीच में आएंगे। ये कंडीशन जो है कई बार आता रहता है। नाउ फिलहाल के तौर पे ए बी सी डी करके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जीसी कंटेंट पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इनमें 4 ऑप्शंस है और यहाँ पे ए बी सी डी है,
टीएम का ऑर्डर बता दो, तो जिसमें जीसी कंटेंट सबसे ज्यादा होगा उसका ग्राफ सबसे राइट में होगा, यानी ये सबसे हाईएस्ट जीसी वाला होगा और ये सबसे लोवेस्ट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। नाउ डीनेचुरेशन की इफेक्ट की वजह से जब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है, जब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको डीनेचर करेंगे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्बेंस बढ़ जाता है क्योंकि एक्सपोजर बढ़ जाएगा लाइट से, डेंसिटी घट जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बॉयंट डेंसिटी घट जाएगी, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट बढ़ जाएगा। डेंसिटी और बॉयंट डेंसिटी घट जाती है जब डीनेचुरेशन होता है, लेकिन बाकी एब्जॉर्बेंस, सरफेस एरिया या सेडिमेंटेशन कोफिशियंट बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए। अब कभी कभी डीएनए को जब आइसोलेट करते हैं किसी कंडीशन में उसकी प्योरिटी चेक करते हैं तो आप जो है एब्जॉर्बेंस लेते हैं 260 बाय 280 पे, अगर वो 1.8 के बराबर है तो आपको प्योर डीएनए मिलेगा, 1.8 से ज्यादा है तो आरएनए का कंटामिनेशन है और 1.8 से कम है तो डीएनए में प्रोटीन का कंटामिनेशन है। और अगर 1 एब्जॉर्बेंस है तो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो 50 ग्राम माइक्रोग्राम पर एमएल, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो 40 माइक्रोग्राम पर एमएल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो 33 माइक्रोग्राम पर एमएल का कंडीशन जो है डेवलप हो सकता है। इसके बाद आता है डीएनए की सुपर कॉइलिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि नंबर ऑफ हेलिकल टर्न को ही सुपर हेलिकल टर्न को ही बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग कितनी है, लिंकिंग नंबर कितना है। सुपर कॉइलिंग को डिफाइन करने के लिए एक टर्म बोला जाता है जिसको बोलते हैं लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर इज अ नंबर ऑफ हेलिकल टर्न इन द डीएनए। नंबर ऑफ हेलिकल टर्न, व्हाट इज हेलिकल टर्न, जब भी कोई डीएनए है तो उसमें कितनी बार ये टर्न हुआ, 1, 2, 3, 4, इसी को बोलते हैं हेलिकल टर्न, और इसी का नंबर जो होता है वही होता है लिंकिंग नंबर। अगर एक डीएनए 10 बार ऐसे रैप अराउंड हुआ है तो 10 हेलिकल टर्न हुआ है तो 10 लिंकिंग नंबर, 20 बार हुआ है तो 20 लिंकिंग नंबर। सो उसी लिंकिंग नंबर को डिफाइन किया जाता है सुपर कॉइलिंग से। अगर कोई डीएनए बहुत ज्यादा ओवर बाइंड कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, तो उसमें लिंकिंग नंबर बढ़ जाएगा, उसको खोल दीजिए तो लिंकिंग नंबर घट जाएगा। इसी बेसिस पे होते हैं दो तरीके की सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होती है जब आप सुपर कॉइलिंग को ओवर बाइंड कर देते हैं, हेलिकल टर्न को बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे कि बेस पेयर पर हेलिकल टर्न घट जाता है, राइट हैंडेड ऐसे टर्न्स को बोलते हैं। अगर आप ओवर बाइंड की जगह जो है अंडर बाइंडिंग कर रहे हैं, सुपर कॉइलिंग को क्या कर रहे हैं, अंडर बाइंडिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो है हेलिकल टर्न घट जाएगा और बेस पेयर पर हेलिकल टर्न बढ़ जाएगा, ऐसे कंडीशन जो है वो आपके साथ अपीयर होते हैं। तो कोई भी डीएनए लीनियर और सर्कुलर हो सकता है, लीनियर है तो जनरली रिलैक्स्ड होता है और रिप्लिकेशन के दौरान जो है उसमें सुपर कॉइलिंग डेवलप हो जाती है या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। सर्कुलर डीएनए रिलैक्स और सुपर कॉइल दोनों हो सकते हैं और हेलिकल टर्न बढ़ या घट सकता है। तो उसके जो है फॉर्मूले यहाँ पे पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ हेलिकल टर्न एक्चुअली नंबर ऑफ लिंकिंग नंबर के बराबर होता है, दैट इज नंबर ऑफ बेसिस, टोटल बेस कितना है और बेस पेयर इन वन हेलिकल टर्न कितना है। मतलब अगर एक बी डीएनए में एक टर्न में 10.4 बेस पेयर है तो 208 में कितना करेंगे, 208 को 10.4 से डिवाइड करोगे तो 20 हेलिकल टर्न आ जाएगा। इस तरीके से उसका लिंकिंग नंबर आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक फॉर्मूला आता है ट्विस्ट एंड वृत्त नंबर का, जो कि एक्चुअली में नथिंग कुछ नहीं होता, जो आपका वृत्त नंबर होता है वो एक्चुअली में चेंज इन द लिंकिंग नंबर होता है कि सुपर कॉइलिंग के बाद कितना चेंज हुआ है, और जो ट्विस्ट नंबर होता है वो एक्चुअली में इनिशियल लिंकिंग नंबर होता है। और एक फॉर्मूला आता है सुपर हेलिकल डेंसिटी का, जिसमें कि कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय द इनिशियल लिंकिंग नंबर। ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इसी सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है वो होता है टोपो आइसोमेरेज। और टोपो आइसोमेरेज दो तरीके कैटेगरी में आते हैं, 1 और 2। अगर लिंकिंग नंबर को एक लिंकिंग नंबर से चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे टोपो आइसोमेरेज 1, और अगर दो लिंकिंग नंबर से चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे टोपो आइसोमेरेज 2। तो वो 1 और 2 का क्लासिफिकेशन लिंकिंग नंबर के चेंज के बेसिस पे होता है। इसके अलावा कई सारे आरएनएज भी पाया जाता है डीएनए के अलावा, एमआरएनए, राइबोसोमल टी एंड अदर टाइप ऑफ आरएनएज होते हैं जिसको आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिवीजन के टाइम में देखेंगे। एंड आरएनए में आप मैसेंजर आरएनए होते हैं जो कोडिंग रीजन कैरी करते हैं, राइबोसोमल जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, एंड ट्रांसफर आरएनए जिसमें कि टी लूप, एंटीकोडॉन, डी लूप जैसे डाइहाइड्रोयूरिडीन, सीडोयूरिडीन एंड एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडॉन आर्म जो है चीजें पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बाद अगर हम बात करें तो लिपिड के लिए, और लिपिड की जब हम चर्चा करते हैं तो लिपिड में पाया जाता है कई सारी चीजें, एक्ट एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में ज्यादातर प्रेजेंट्स होते हैं, इनका काम प्रोटेक्टिव होता है कई केसेस में, एम्फीपैथिक होते हैं यानी पोलर और नॉन पोलर दोनों नेचर के हो सकते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन के तौर पर फैटी एसिड में ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं LMPS POLLA, दैट इज द LLMPS पोला, ठीक है, यानी कि लॉरिक, मेरिस्टिक, पामिटिक, स्टेरिक, पामिटोलिक, ओलिक, लिनोलिनिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक, एरिक डेनोइक।
इसमें जो LMPS हैं वो होते हैं आपके सैचुरेटेड, जो यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। बाकी पामिटोलिक से लेके बाद एरेग्डिनोइक तक होते हैं अनसैचुरेटेड, 1, 1, 2, 3, 4, यानी एक डबल बॉन्ड, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड का जो डिफरेंस होता है वो 3 के आसपास होता है, यानी 9 से शुरू करेंगे, पहला है 1, इसमें भी 9 है। पामिटोलिक 16 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, ओलिक 18 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, किसने पोजीशन पे, 9th पे। इन द लिनोलेनिक 18 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड, 9 के बाद दूसरा वाला 12 पे, इसके बाद लिनोलेनिक पे जो है 18 कार्बन, 3 डबल बॉन्ड, 9, 12, 15, उसके बाद एरेग्डिनोइक पे जो है 20 कार्बन, 4 डबल बॉन्ड, यानी 5, 8, 11, 14, 3-3 का गैप आपको देखने को मिलता है। नाउ इट इज, दिस इज द LMAPSPOLLA। याद रहे कि हमेशा जो इसमें सैचुरेटेड कौन से 4 है, लॉरिक, मिरिस्टिक, पामिटिक एंड स्टीयरिक, और 4-5 लगभग क्या है, अनसैचुरेटेड, जिसमें से कुछ पॉली अनसैचुरेटेड है, जैसे कि लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एरिग्डिनोइक, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। इसमें 2 जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड है, जैसे कि पामिटोलिक एंड ओलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं, यस और नो। नाउ मूविंग अहेड, इसमें जो है जब भी फैटी एसिड की बात आती है तो उसमें स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आता है, और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के लिए मेल्टिंग पॉइंट आता है, और उसी के साथ फ्लूडिटी जो है वो रिलेटेड होता है। अगर किसी फैटी एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा और फ्लूडिटी कम होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो फ्लूडिटी कम, इनवर्स रिलेशन जो स्टेबिलिटी का फ्लूडिटी के साथ होता है। याद रहे कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, ट्रांस कन्फर्गेशन होगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, लोअर टेम्परेचर होगा, तो फ्लूडिटी इस केस में कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा किया, ट्रांस कॉन्फिगरेशन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लोअर टेम्परेचर, तो स्टेबिलिटी ज्यादा एंड द फ्लूडिटी कम हो गया। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन कम, सिस कॉन्फिगरेशन, अनसैचुरेटेड, स्फिंगोलिपिड, हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, नंबर ऑफ कार्बन कम कर दिया, सिस कॉन्फिगरेशन हो गए, सैचुरेशन की जगह अनसैचुरेशन, यानी डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया, स्फिंगोलिपिड आ गए, तो उस केसेस में जो है स्टेबिलिटी कम और फ्लूडिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, फ्लूडिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम एंड फ्लूडिटी ज्यादा। तो ये कंडीशंस जो है ध्यान रखना, काफी वो है, पूछे जा सकते हैं, खासकर लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर के केसेस में। अगर कोई फैटी एसिड जो है लोअर टेम्परेचर पे है, इसका मतलब उसकी फ्लूडिटी ऑलरेडी टेम्परेचर की वजह से कम हो चुकी है, तो उन केसेस में जो है ऐसे फैटी एसिड्स या ऐसे कॉम्पोजिशंस होंगे ताकि उसकी फ्लूडिटी को बैलेंस कर सके। लोअर टेम्परेचर पे रहने वाले लोगों के पास क्या होगा, उनके पास ज्यादातर नंबर ऑफ कार्बन कम होगा, सिस होगा, अनसैचुरेटेड, सब सैचुरेशन ज्यादा होगा, स्फिंकोलिपिड्स होंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम हो चुका है। तो ये कंडीशंस ध्यान रखने की, वाइस वर्सा जो है आप समझ सकते हैं। क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं आप इस चीज को बता रहा हूँ। लिपिड के क्लासेस में कई सारे आते हैं, मैंने तो अभी फैटी एसिड बताया, फैटी एसिड मिलता है एल्कोहल के साथ और बना देता है क्या, लिपिड्स। इनके बीच में क्या बॉन्ड बनता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। तो लिपिड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड, लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। अब जो एल्कोहल है वो आपके मोनोहाइड्रोक्सी हो सकते हैं, वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो सकते हैं, या वो किसी फॉस्फेट के साथ जुड़े हो सकते हैं, या कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो सकता है। अगर वो मोनोहाइड्रोक्सी है तो वैक्स हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी है ग्लिसरॉल हो गया तो टैग जो है टैग हो गए, उसमें फॉस्फेट के साथ हो गए तो फॉस्फोलिपिड्स हो गए, कुछ कार्बो जो एल्कोहल से वो रिंग के फॉर्म में है तो स्टेरॉल्स या इकासोनॉइड्स हो गए, तो ये सारे फॉर्म जो है वो बन सकते हैं। याद रहे कि वैक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो ये फैटी एसिड्स हैं वो फैटी एसिड मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल के साथ है तो आपका हो जाएगा वैक्स। अगर वहीं पे ग्लिसरॉल के साथ जोड़ दीजिए तो टैग, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अगर उसमें जो है एक ग्लिसरॉल बैकबोन पे फॉस्फेट को भी जोड़ दीजिए और फैटी एसिड को भी जोड़ दीजिए एल्कोहल के साथ, तो हो जाएगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। अगर आप स्फिंगोसिन का बैकबोन ले लीजिए, एक उसमें फैटी एसिड जोड़ दीजिए, एक फॉस्फेट को जोड़ दीजिए और एक एल्कोहल को जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। तो इस तरीके से कई सारे केसेस बनते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर लिपिड की बात करते हैं, उसमें लिपिड, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल हो सकते हैं या स्फिंगोसिन हो सकते हैं। अगर फैटी एसिड फॉस्फेट और एल्कोहल के साथ जुड़ा है तो आप उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के बैकबोन ग्लिसरॉल पे है या स्फिंगोसिन पे, ग्लिसरॉल पे है तो उसको बोलते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोसिन पे तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, और अगर जो ग्लाइकोलिपिड है उसका बैकबोन ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, और स्फिंगोलिपिड है तो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड कैन बी द ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड और स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। ग्लिसरॉल के बैकबोन में 2 फैटी एसिड और एक तरफ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो वो हो जाता है ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। और अगर स्फिंगोसिन में आपने एक तरफ फैटी एसिड और एक तरफ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो हो जाता है स्फिंगोग्लाइकोलिपिड।
याद रखिए स्फिंगोसिन जब किसी फैटी एसिड से जुड़ता है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है सिरामाइड, और सिरामाइड अब मोनोसेक्राइड से जुड़ा है या ओलिगोसेक्राइड से। अब मोनोसेक्राइड से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं सेरिब्रोसाइड, और अगर वो ओलिगो से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं ग्लोबोसाइड, अगर वो विदाउट सियालिक एसिड है, और अगर विथ सियालिक एसिड होगा तो उसी को बोलते हैं गैंग्लियोसाइड। तो ये सारे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरीके के केसेस आप देखते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात करता हूं तो अगेन फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जगह फॉस्फेट होगा और फॉस्फेट से अल्कोहल जुड़ा होगा। ग्लिसरॉल बैकबोन में एक फैटी एसिड और फॉस्फेट के साथ अल्कोहल, या स्फिंगोसिन के बैकबोन में एक फैटी एसिड फॉस्फेट के साथ अल्कोहल। अब फॉस्फेट जब है तो इसको या तो ग्लिसरॉल के साथ होगा तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोसिन के साथ होगा तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो है आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे जो अल्कोहल के तौर पे या तो अल्कोहल एच हो, या तो कोलीन हो, एथेनॉल अमीन हो, सेरीन हो, ग्लिसरॉल हो, फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल हो, या इनोसिटॉल हो, तो इन्हीं के नाम पे जो है बोला जाता है, जैसे फॉस्फोटिडिक एसिड या लेसिथीन, सिफेलिन, फॉस्फोटिडाइल सेरीन, फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल डाई फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल, या फॉस्फोटिडाइल एथेनॉल अमीन, इन सब पे चार्जेस जो है वो देखे जाते हैं। याद रखिए लेसिथीन और सिफेलिन दैट मीन्स फॉस्फोटिडाइल कोलीन और फॉस्फोटिडाइल एथेनॉल अमीन पे चार्ज जीरो होता है, और कार्डियोलिपिन पे माइनस टू होता है, बाकी सभी पे चार्ज माइनस वन होते हैं। ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। स्टेरॉल की बात करते हैं जो जनरली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते। स्टेरॉल्स ऐसे फैटी एसिड्स या लिपिड्स हैं जिनमें 6 मेंबर्ड के रिंग है और एक 5 मेंबर्ड का रिंग पाया जाता है, लगभग इस तरीके से 3-6 मेंबर्ड का रिंग, एक 5 मेंबर्ड का रिंग है, और इसी में एक तरफ OH आप देख रहे हैं, ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर रीजन्स है, इसी को बोलते हैं स्टेरॉल्स। ये कई तरीके के पाए जा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, आर्गेस्ट्रॉल, स्टिग्मेस्ट्रॉल, कैमेस्ट्रॉल, सिटोस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है यूकैरियोट में, आर्गेस्ट्रॉल होता है फंगस में, स्टिग्मेस्ट्रॉल या कैमेस्ट्रॉल या सिटोस्ट्रॉल होता है प्लांट्स में, और 20 कार्बन का एक एरिकडिनोइक एसिड आपने सुना होगा जो कि डेरिवेटिव बनाता है एक, जिसको बोलते हैं इकासोनॉइड्स, जो कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन या ल्यूकोट्राइन्स, तो उसी को बोलते हैं इकासोनॉइड्स। ये सारे जो है लिपिड्स के केसेस में पूछे जा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म के केसेस में क्या होता है कि एसिटाइल कोए बेसिक तौर पे क्या होता है कि ये ट्रेवल करता है पहले किसमें, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए एसिटाइल कोए को साइटोप्लाज्म में आना होता है, तो वहां ट्रेवल करेगा साइट्रेट सटल से, और वहां पे वो एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है मेलोनिल कोए में, और फिर वो बनाता है फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फैटी एसिड सिंथेज। तो यहाँ पे साइट्रेट को, ये एसिटाइल कोए को लाने के लिए साइटोसोल में साइट्रेट की जरूरत पड़ती है, और इसी को बोलते हैं साइट्रेट सटल। बनाने के लिए 4 प्रोसेस होते हैं, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन, सीआरडीआर। कंडेंसेशन में एक एसिटाइल कोए एक मेलोनिल कोए जुड़ते हैं, रिडक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है NADPH, और यहाँ पे रिडक्शन होता है इन दोनों का, तो रिडक्शन होगा तो वहां पे बनेगा डबल बॉन्ड। उसके बाद फिर उनका डिहाइड्रेशन होता है तो वो बनता है अल्कोहल, और फिर इलेक्ट्रॉन डोनर फिर काम करता है तो वो बना देता है आपका एक तरीके का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो है पूरा CRDR का प्रोसेस जो है आप देखते हैं इन द केसेस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस। फैटी एसिड सिंथेस एक्चुअली में एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है जिसमें आपके पास KR, KS, DH, ER जो है ऐसे पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कीटो एसाइल सिंथेज, कीटो एसाइल रिडक्टेज, डीहाइड्रेटेज एंड इनोइल रिडक्टेज। ये एंजाइम्स होते हैं जो कि इन चारों प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी का उल्टा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। CRDR में क्या था, एक एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल में और ये मेलोनिल कोए में, इसको कन्वर्ट कर रहा था ACC एसाइल कार्बोक्सिलेजेस। अब ये मेलोनिल और एसिटाइल कोए जुड़ते हैं, वो बनाते हैं बीटा कीटो एसाइल, अब ये फिर बीटा हाइड्रोक्सिल, फिर ट्रांसिनोइल और ब्यूटाइरिल, एक साइकिल के बाद ये बार 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 चलता रहेगा और बना देगा। तो एनाबोलिज्म में एसिटाइल और मेलोनिल मिलके कीटो एसाइल, बीटा हाइड्रोक्सिल, ट्रांसिनोइल और ब्यूटाइरिल बना रहे थे, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन। जबकि ऑक्सीडेशन में इसी का उल्टा होगा, पहले फैटी एसिड को कोएंजाइम में से जोड़ा जाता है, फिर उसे डिहाइड्रेशन से किया जाता है, और फिर उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हैं, फिर हाइड्रेशन किया जाएगा, यानी यहाँ पे वाटर निकला था तो यहाँ पे वाटर दिया जाता है, फिर यहाँ रिडक्शन था तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे कंडेंसेशन था, सिंथेसिस था, तो यहाँ पे उसका क्लीवेज होगा और इस तरीके से जो है 2 कार्बन निकल जाता है। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म में शो करते हैं, किसके, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में, दैट इज द केस हियर। इन द केस ऑफ द सिंथेसिस सबसे पहले अगर बात करें तो वो कह रहा था कंडेंसेशन, उसके बाद रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन,
और इसमें जहां पे भी रिडक्शन हो रहा था जो डोनर का काम कर रहा था एनएडीपीएच कर रहा था, लेकिन जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले स्टेप में जो कंडेंसेशन था वो लास्ट हो जाएगा और पहले में रिडक्शन की जगह होगा ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन क्लीवेज। अब जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे जो एक्सेप्टर का काम करता है पहले पे एफएडी और दूसरे पे करता है एनएडी, यानी डोनर और एक्सेप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। ये केसेस आपको देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ एटीपी कैलकुलेट करने के लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, एन नंबर ऑफ एटीपी शुड बी 14 इंटू एन प्लस 8। एन इज द नंबर ऑफ साइकिल जो कि रिक्वायर्ड होता है और वो होता है नंबर ऑफ कार्बन बाई 2 जो है माइनस 2, ये आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर 16 कार्बन है पामिटिक एसिड में तो उसको 7 साइकिल चाहिए। कैसे? 16 माइनस 2 करेंगे 14, 14 बटे 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 साइकिल। 7 साइकिल को यहां रखिए तो 7 इंटू 14 प्लस 8 हो जाएगा, आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी सैचुरेटेड फैटी एसिड, चाहे वो 16, 12 एंड सो ऑन हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखिए ये डिफरेंसेस हमेशा 14 के डिफरेंस में ही चलेंगे। ठीक है, तो दिस आर द केसेस। इसके अलावा आता है विटामिंस। विटामिंस की जब हम बात करते हैं तो विटामिंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट को फैक्टर या को एंजाइम की तरह। कुछ विटामिंस होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिंस, कुछ विटामिंस होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिंस, जैसे कि ए डी ई के। ई होता है टोकोफिरॉल, के होता है मेनाफिनोन, डी होता है कैल्सिफिरॉल, बी ए होता है आपका रेटिनोल या रेटिनोइक एसिड्स। अब इनका जो काम होता है, ई का रिडक्शन का काम होता है, बी के का काम होता है ग्लूटामेट का गामा कार्बोक्सिलेशन खासकर ग्लूटाथायोन में, डी का काम होता है जीन के एक्सप्रेशन या कई बार बोन के ग्रोथ में, एंड ए का काम होता है लाइट सिग्नल्स को बेसिक तौर पे उसको कन्वर्ट करना, या कई बार रेटिनोइक एसिड जो होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिंस बी और सी होते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। और सी जो होता है वो स्कॉर्बिक एसिड्स होते हैं, ज्यादातर ये प्रोलीन के हाइड्रोक्सिलेशन में यूज होते हैं, जो हमने कोलेजन बताया था वहां पे। B1 को बोलते हैं थियामीन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन, B5 को बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड्स, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 कोबालामीन। इसी थियामीन का ही जो है को फैक्टर होता है TPP, दैट इज थियामीन पायरोफॉस्फेट, जो कि डी कार्बोक्सिलेशन के लिए जाना जाता है। B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन यानी FADS2 यानी फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए जाना जाता है। नियासिन NADH ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए जाना जाता है। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए एसाइल ट्रांसफर के लिए होता है। पायरोडॉक्सल फॉस्फेट ये ट्रांसअमिनेशन के लिए है। बायोटीन कार्बोक्सिलेशन के लिए है। फॉलिक एसिड 1 कार्बन के ट्रांसफर के लिए है। एंड कोएंजाइम जो 12 है ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट या मिथाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए। इसका कोड जो मैं अक्सर बताता हूं वो है दैट इज DEHAT देहात, DEHAT देहात में कोरोना हो गया COR। ठीक है, अब ये जो है B1 का ही पूरा केस है, देहात में कोरोना हो गया। D का मतलब डी कार्बोक्सिलेशन होता है B1 यानी कि थियामीन TPP से। ठीक है, उसके बाद B3 क्योंकि B2 दैट इज इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, B3 नियासिन दैट इज हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, हाइड्रोजन एनॉल का। B5 जो कि पेंटाथिनिक एसिड है एसाइल ग्रुप का जो है वो ट्रांसफर करेगा। उसके बाद है B6 पायरोडॉक्सल जो कि क्या करता है ट्रांस अमिनेशन करेगा T, एंड उसके बाद आता है B7 दैट इज थायमिन, वो है कार्बोक्सिलेशन। फिर है B9 दैट इज द फॉलेट या टेट्राहाइड्रोफॉलेट जो कि क्या करेगा 1 कार्बन का ट्रांसफर करेगा, एंड B12 दैट इज रीअरेंजमेंट के लिए पाया जाएगा। तो देहात में कोरोना हो गया, अगर ये निमोनिक्स याद करें तो B1 से लेके ये कहानी जो है वो चलेगी आपकी, कौन किससे चल रहा है, यस और नो। अगर आपने ये कर लिया तो कहानी जो है आपके कौन किसके लिए जाना जा रहा है। अगर आप देखेंगे बायोसाइटिन दैट इज विटामिन एच, जिसको B7 भी बोला जाता है, ये कार्बोक्सिलेशन के लिए। कोएंजाइम ए दैट इज B5 एसाइल ग्रुप के लिए। उसके बाद B12 एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर रीअरेंजमेंट, FAD इलेक्ट्रॉन लिपोएट इलेक्ट्रॉन्स एंड एसाइल ग्रुप्स, NAD हाइड्राइड आयंस के लिए, पैराडॉक्सल अमीनो ग्रुप्स, टेट्राहाइड्रोफोलेट 1 कार्बन के लिए, थियामिन पायरोफॉस्फेट जो कि मैंने बताया था विटामिन के किन केसेस के लिए जो है वो बातचीत होती है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप जो है डिजीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
जिसमें कि फैट सॉल्युबल में कुछ डिजीज होते हैं, ये मैंने उनके नाम बताए थे डिजीज में, जैसे विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस आप शो करते हैं, डी की वजह से रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया शो करते हैं, टोकोफिरॉल की वजह से आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो जाते हैं, एंड विटामिन के या फिलोक्विनोन की वजह से जो ब्लीडिंग होता है। K1 को फिलोक्विनोन बोलते हैं, K2 को मेनाक्विनोन बोलते हैं, D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, D3 को कोलकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये कोल बेसिक तौर पे कोलेस्ट्रॉल से जो है मिला होता है, इसलिए कोलकैल्सिफेरॉल की बात आती है। नाउ B1 थियामिन जो होता है, इसमें डिजीज हुआ तो बेरी बेरी, अगर B3 में हुआ तो पैलेग्रा, इसके अलावा अगर B7 में होता है तो डर्मेटाइटिस होते हैं, एंड अगर B C में होता है तो स्कर्वी डिजीज, ये कई सारे डिजीज जो है वो आपके पाए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये दैट इज ग्लाइक आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ये है ग्लाइकोलिसिस और ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज से लेके पाइरुवेट बनने का प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है बाय द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 1,6-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इस प्रोसेस के दौरान एक प्रिपरेटरी 5 फेज होते हैं और पे ऑफ 5 फेजेस होते हैं। प्रिपरेटरी फेजेस में 2 ATP का इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं, पे ऑफ फेजेस में 4 ATP का प्रोडक्शन शो करते हैं, और साथ में जो है 2 NADH का प्रोडक्शन भी आप शो करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो 2 ATP यहाँ पे, अगर नेट ATP की बात करें तो 2 ATP का नेट प्रोडक्शन होता है अगर एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है तब, और अगर एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो ये NADH भी जाता है TCA साइकिल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और बनाता है 5 ATP, क्योंकि एक NADH बनाता है 2.5 ATP, तो एरोबिक में 7 ATP का सिंथेसिस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में नथिंग, इसी का रिवर्स जो है वो आपको होता है, जहां पे पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पहले ऑक्सिलोएसिटेट में, फिर वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोनॉल पाइरुवेट में, और वो फिर वापस उसी तरीके से चलता चला जाता है। जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो ही सेम एंजाइम ही उसको रिवर्स कर देते हैं, जहां पे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वहां के लिए एंजाइम अलग चाहिए। जैसे कि पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है, तो उसके उसको रिवर्स करने के लिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज चाहिए, थर्ड में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 होता है काइनेज के लिए, तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज चाहिए। तो इन एंजाइम्स को ध्यान रखे रहोगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और आपके जो है ग्लाइकोलिसिस में डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो ये चीजें बनती हैं। इसके अलावा जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें ग्लूकोज को सबसे पहले UDP के साथ जोड़ा जाता है, चार्ज किया जाता है, और फिर उस ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम से उस UDP ग्लूकोज से ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के जो है α14 लिंकेज से ग्लाइकोजन को बना दिया जाता है। दिस इज द बायोकेमिस्ट्री रिविजन फिनिश्ड। ठीक है, तो फिलहाल के तौर पे 2 घंटा लगभग, बीच में अगर ब्रेक नहीं हुआ तो वो 3 मिनट जो है हमारा एक्स्ट्रा जो लगा है वो शायद लगता नहीं, एंड ऑलमोस्ट जो है ये होपफुली कि आपको मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो दोस्तों तक शेयर जरूर करना। कल का शेड्यूल आपको पता ही है कि कल जो है वो सेल बायोलॉजी है, एक बार मेरी क्लासेस जो आप पढ़े हुए हैं उसको रिविजन करके आइएगा। 2 घंटे में पूरी यूनिट कल भी रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद ये चीज़ें आती रहेंगी। और ये जब मैं 2 घंटे में इतना बोल के रिवाइज और कर सकता हूं, तो क्या आप इसको बिना देखे अपने दिमाग में नहीं घुमा सकते? इट इज पॉसिबल, मैं इतना बोलते हुए कर सकता हूं। अगर मुझे ये बोलना नहीं होता तो शायद मैं इसको 1 घंटे में ही खत्म कर देता। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग इन माइंड, अगर आप पॉसिबल है तो करिए। ठीक है, तो फिलहाल के तौर पे मिलेंगे हम आपसे कल सेम इसी पर्टिकुलर टाइम पे 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। जो लोग इसके PDF और रिकॉर्डिंग के चक्कर में पड़े हैं, उन सभी जो है आलसी लोगों को बता दूं कि PDF ना मिलेगा ना ही रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। मैं ये लाइव सेशन जो है बंद कर दूंगा। ठीक है, जो लाइव देख रहा है बस वही देख पाएगा, उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग का कोई मसला है नहीं, ये सिर्फ आपको जो है लाइव देखने वालों के लिए। और PDF जैसा कुछ नहीं है, जो सब पढ़ाया जाता है वही सब कुछ है, और थोड़ी बहुत अब वो टाइम नहीं बचा जिसमें कि आप जो है PDF की जो है बातचीत करेंगे कि हाँ आप PDF लेके पढ़ें, आप अपने नोट्स अपने चीज़ों को रिकॉल करिए, मेरे PDF के चक्कर में पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। फिलहाल के तौर पे मिलेंगे हम आपसे कल 8 बजे। PDF नहीं दूंगा मैं, ये तय है, तो इसके लिए जो है आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, आपको मेहनत करनी है लिख के मेहनत कर लीजिए, लेकिन मैं PDF शेयर करने वाला नहीं हूं, ये बात तय है, मुझसे बार बार कह के कोई फायदा नहीं है। ओके, सो विल सी यू टुमारो 8 बजे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा सेशन? अरे कुछ बोल तो दो, अच्छा लगा या नहीं। ठीक है।
ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं कल 8 बजे, रेडी रहना।